at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम जिस फिल्म पर बात करेंगे उस फिल्म का नाम है आलू वीगन था पोरो मोलो। अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हैं तो फिर वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको आलू वीगन था पोरो मोलो मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन और बजट के बारे में बताएंगे। इसके अलावा आज की इस वीडियो में फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी लाइन पर भी नज़र डालेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। आलू वीगन था पोरो मोलो एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी श्री श्रीवी ने की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये मूवी 2020 में बनाई गई थी और इस फिल्म में तब्बू, जयराम, सोशनाथ, न्यू नीरियथा, एथुराज, मुरली शर्मा, सुमु थेराकानी, नवदीप, सनील सच्चन, खेड यक्कर, गोविंद पर्त मसूरिया, हर्षवर्धन, रोहनी वनीला कशूर समेत देगर शामिल हैं। अजय और रचंदर पर सादा इसे अल्लू अर्जुन, एस राधा कृष्णा ने बिलतरतीब, गीता आर्ट्स और हरिका एट्स सैन क्रिशर्स के पैनल के तहत तैयार किया है। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में मुकम्मल हो गई। इसे पूरे हैदराबाद में फिल्माया गया, गानों को बैरून मुल्क फिल्माया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक एस थम्मन ने तरतीब दिया है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग बतरतीब पी एस वनूद नवीन नोली ने की। 11 जनवरी 2022 को सताए मुतहदा में प्रीमियर होने के बाद फिल्म संगरत्ति के मौके पर 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म ने कास्ट की परफॉर्मेंस, थम्मन की मौसीकी, तफरी कत और त्रोयक्रम की तहरीर और हिदायतकारी की तारीफ के साथ अच्छी तनकीदी पेशराई हासिल की। ये फिल्म तजारती लिहाज से कामयाब रही और इसने दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ रुपए कमाए। ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक बन गई। थम्मन ने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म ने 10 साउथ इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते, जिनमें बेहतरीन फिल्म तेलुगु भी शामिल है। शहजादा के नाम से हिंदी जबान का रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है त्री विक्रम, और इस मूवी को जिसने स्क्रीन प्ले दिया है उनका नाम भी त्री विक्रम ही है। तो डायलॉग भी इसी के ही हैं और स्टोरी भी इसी की ही है, और प्रोडक्शन जिसने दी है वो अल्लू ने दी है, और इसके साथ दे रहे हैं एस राधा कृष्णा, और इसमें मेन किरदार अल्लू अर्जुन कर रहे हैं, साथ में इनके हैं पूजा हेगड़े और तब्बू भी मशहूर एक्टर्स हैं, वो भी इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ जो इनका जो चौथे नंबर पर जो मेन किरदार जिसको दिया गया है उनका नाम है जयराम, सुशनाथ, नविता किथारेज, मुरली शर्मा, और इसके साथ नदीव, सुनील एंड सचिन किदिकर, और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है पी एस विनोद ने, एडिट किया है इस मूवी को नवीन नोली ने, म्यूजिक दिया है इस मूवी को थम्मन एस ने, और इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो गीता आर्ट्स है। इसके साथ हरिका एंड हुसैनी
क्रिकेट्स है, डिस्ट्रीब्यूट बाय गीता आर्ट्स है, रिलीज डेट 12 जनवरी 2020 है, रनिंग टाइम इसका 165 मिनट का है और कंट्री इसकी इंच है, जबान इसकी तेलुगु है। इस फिल्म को बहुत लागत आई वो 100 करोड़ की लागत आई, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में आप ये देखेंगे कि राधा कृष्णा की कंपनी में क्लर्क के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया रामचंद जुआले आर्थ की बेटी या सोधा यासू से शादी करता है, अमीर हो जाता है, जबकि ए आर के वलिम्बिकी और रामचंद्र ने अनंत 1995 वलिम्बिकी एक मुतवसित तबके के फर्द के तौर पर रहता है। इनके दोनों बच्चों की पैदाइश के दिन रामचंद्र का बेटा मुर्दा पैदा हुआ दिखाई देता है। जब नर्स सुलोचना ने वलिम्बिकी को इसके बारे में मुतला किया तो वो इस बच्चे को मुर्दा बच्चे के साथ तब्दील करने की पेशकश करता है। स्विच के बाद वो बच्चा जो मुर्दा दिखाई देता है रोना शुरू कर देता है। ताहम वलिम्बिकी चाहता है कि इसका बेटा एक अमीर घराने में परवान चढ़े। जब सुलोचना दोबारा बच्चों को तब्दील करने की कोशिश करती है वलिम्बिकी ने इसे रोकने की कोशिश की और गलती से इसे धकेल दिया। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिरती है और कोमा में चली जाती है और वलिम्बिकी को दर्द होता है जो ऐसा ऐसा लंगड़ा होता है। वलिम्बिकी के बेटे का नाम राज है। वलिम्बिकी ने रामचंद्र के बेटे का नाम बंतोड़ रखा है। इसके हकीकी वालदेन की वजह से इसके साथ मामूली सलूक किया जाता है। वलिम्बिकी ने बंतु के MBA की अदायगी से इनकार करने के बाद बंतुआ मोलिया उर्फ अमोकी सरबराई में एक ट्रेल कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है जो एक खुद साख्ता कारोबारी 2020 शेखर के साथ एक मुख्तसर झगड़े और गलतफहमी के बाद बटोने का किरदार अदा किया। बल आखिर बंतु अमू के लिए जज्बात पैदा करता है जब वो अमू शेखर और एन के साथ रवीद मेलाडी एक HR खतून से कंपनी कारोबारी दौरे के लिए पेरिस जाते हैं और सफ़र के फौरन बाद अमू अपने जज्बात का जवाब देते हैं। फिर यसना राज बैरून मुल्क से वापस आया, अपना MBA बंद कराया। रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वो इससे अपनाए के और उसके बाद बेटे पेंट यथली को मुस्तित करने के लिए भेजता है जो एक अमीर ताकतवर बासर आदमी है जो इनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र इस होटल से डील देखता है जहां अमूर और बंटू की अमू की फॉर्म के पीछे समयकार श्रीशम से मुलाकात होती है जो अमूर की ट्रेल एजेंसी को वापस लेना चाहता है। रामचंद्र राज हिचकटाहट और पेंट इतली को न खोने में नाकामी से मायूस है, लेकिन सरश्रम को न कहने पर बंधु और अमूर पर फख्र है। इसके बाद राज AR के तजवीज़ अमूर का वर्णन और मुआद मंसूर करने के लिए पहुंचे। चंद मिनट कबल शेयर फरोख्त करने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने की कोशिश करता है। नायडू के आदमियों की तरफ से इन्हें रोकने की कई कोशिशों के बावजूद बंतु ने रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। वहां इसकी मुलाकात सुलोचना से हुई जो कि इसको ब्लैकमेल करती है और बंतु रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर में दाखिल होने का इंतजाम करता है जिसका नाम निकिता पोमफोरी सता पर पसंद करता है। बंतु ने यासू के
साथ रामचंद्र के टूटे टूटे हुए ताल्लुकात जो कि नाजुक थे क्योंकि रामचंद्र का 7 साल कबल रिवैती नामी एक औरत के साथ एक बार अफेयर हुआ था। पैदा थली के साथ तनाज़ तय करके और उनवान खानदान के अफराद सीता राम की सलाह करके घर के मसाइल का हल ढूंढते हैं। इसके बाद जो है ना उनके घर पर डाली गई पार्टी में यासू ने बंतु और अमू को एक दूसरे को बोसा देते हुए देखा। बंतु को उलंबगी के घर से निकाल दिया जबकि अमू के राज के साथ मंगनी मंसूर कर दी गई। नई दास की सूरत हाल को अपने फायदे के लिए अगवा करके और अंदर को कत्ल करने की धमकी देकर इस्तेमाल करता है जब तक कि रामचंद्र पीठ ये थली का हिस्सा नहीं देता। जब उल्लंबकी बंधु से लड्डू का बचाने के लिए मिन्नत करता है तो वह इनकार कर देता है। मंटू अपने हयातियाती वालिद रामचंद्र के साथ मिल जाता है लेकिन इससे कहता है कि या सो को सच्चाई न बताए। इस ड्रामे के वो ये जानकर मायूस हो जाए कि राज इसका हकीकी बेटा नहीं है। इससे बेखबर हो और या सोने रिमार्क्स दिए के बंटू राज के सरबराह है क्योंकि इसने नंदवर खानदान को बचाया। इस तरह बंटू को इसके 50% हिस्सा दिया या फिर ओलंबिकी से राज को 50 साल तक तरतीब देने के लिए कहता था ताकि वो बंटू की तरह काबिल हो और कंपनी का CEO बन सके। ओलंबिकी के घर पहुंचने के बाद राज अपनी नई मुतवसत तबके की जिंदगी और बंटू की पुरानी सफरी मुलाजमत से रास्त महसूस करती है और महसूस करते हुए कहने लगा कि ओलंबिकी को एक नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को तब्दील कर देना चाहिए था ताकि ओलंबिकी के घर जा सकें। रामचंद्र के पास बंटू ओलंबिकी की मायूसी के लिए बहुत ज़्यादा कहानी का इल्ज़ाम ओलंबिकी के साथ होता है जब बंटू अम्बू के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है साथ मंगनी का लेता है। हालांकि राज पहले ही अपनी कज़न नंदिनी नदू से मोहब्बत करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको दिखाई देगा। अल्लू अर्जुन बतौर बंटू के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा अमोलिया अम्बू के बतौर पूजा हेकड़े बंटू की मोहब्बत की लक्ष्मी के रोल में नजर आएंगी। तब्बू बतौर लिया सोदा यासू बंटू की हयातियाती माँ और राज की रजाई माँ के रोल में नजर आएंगी। चेरा बतौर रामचंद्र बंटू के हयातियाती वालिद और राज की रजा वालिद। खुशनाथ बतौर राज मनोहर राज नविता पुथराज राज बतौर नंदिनी नंदू राज की मोहब्बत का सरदार। HR नदी बतौर शेखर एक योर और योर हैक्स मीन सुनील बतौर सीताराम नंदिनी के चचा और काशीराम के बहनाई बंटू के दादा और इन के रजाई दादा इन आज़ाद को संभालना सीखा था। वो हर्षाल वर्मन बतौर कशीर नंदिनी के वालिद और मरिया की कज़न रचंदर प्रसाद बतौर DG ISPR गोविंद पद मसूरिया बतौर पेट यतनी अपनाइटो के बेटे रोहित रेडी पब्लिक और बैंक्स में मुलाजिम के राम वनिका कशूर बतौर डॉक्टर श्री निवास रामचंद्र के डॉक्टर अजय बतौर सीतम पन्नाइंट के बहनोई के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तनकीला भराती बतौर इंजीनियर प्रसाद मौलिया के वालिद भरामाजी बैसते सरदार सन्नम मौलिया के फनासिर रूहानी बतौर लक्ष्मी ओलंबिकी की बीवी रजाई माँ और राज के हयाती इशवी चमक चंद्र बतौर चटीला मूर्ति एक लोन शार्क अंगार जो के तौर पर पेरियर आदमी बंदरगाह पर कारगुन से काम करता है। तो ये है जी इस मूवी के
करैक्टर जो कि हमने आपको बताए यकीनन आपको पसंद भी आए होंगे। अला विकंथु उरु मोलो एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी श्री श्रीवी ने की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये मूवी 2020 में बनाई गई थी और इस फिल्म में तब्बू जयराम सोशनाथ न्यू नीदियथा एथुराज मुरली शर्मा सुमू थेराकानी नवदीप सनील सचन खीड यक्कर गोविंद पर्द मसूरिया हर्षवर्धन रोहनी वनीला कशूर समेत देगर शामिल हैं। अच्छे और रचंदर पर सादा इसे अल्लू अर्जुन एस राधा कृष्णा ने बिलतरतीब गीता आर्ट्स और हरिका एट्स सैन क्रिशर्स के पैनल के तहत तैयार किया है। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में मुकम्मल हो गई। इसे पूरे हैदराबाद में फिल्माया गया। गानों को बैरून मुल्क फिल्माया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक एस थम्मन ने तरतीब दिया है जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग बतरतीब पी एस वनूद नवीन नोली ने की। 11 जनवरी 2022 को सताए मुतहदा में प्रीमियर होने के बाद फिल्म संगरत्ति के मौके पर 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म ने कास्ट की परफॉर्मेंस थम्मन की मौसीकी तफरी कत और त्रोयक्रम की तहरीर और हिदायतकारी की तारीफ के साथ अच्छी तनकीदी पेशराई हासिल की। ये फिल्म तजारती लिहाज से कामयाब रही और इसने दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ रुपए कमाए। ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक बन गई। थम्मन ने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्शन कॉन्स्ट्रक्शनल फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म ने 10 सॉन्ग इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते जिनमें बेहतरीन फिल्म तेलुगु भी शामिल है। शहजादा के नाम से हिंदी जबान का रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है त्री विक्रम और इस मूवी को जिसने स्क्रीन प्ले दिया है उनका नाम भी त्री विक्रम ही है। तो डायलॉग भी इसी के ही हैं और स्टोरी भी इसी की ही है और प्रोडक्शन जिसने दी है वो अल्लू ने दी है और इसके साथ दे रहे हैं एस राधा कृष्णा और इसमें मेन किरदार अल्लू अर्जुन कर रहे हैं। साथ में इनके हैं पूजा हेगड़े और तब्बू भी मशहूर एक्टर्स हैं वो भी इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ जो इनका जो चौथे नंबर पर जो मेन किरदार जिसको दिया गया है उनका नाम है जयराम सुशनाथ नविता पिथारेज मुरली शर्मा और इसके साथ नदीव सुनील एंड सचिन खिदेकर और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है पी एस विनोद ने। एडिट किया है इस मूवी को नवीन नोली ने। म्यूजिक दिया है इस मूवी को थम्मन एस ने और इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो गीता आर्ट्स है। इसके साथ हरिका एंड हुसैनी क्रिएटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय गीता आर्ट्स है। रिलीज डेट 12 जनवरी 2020 है। रनिंग टाइम इसका 165 मिनट का है और कंट्री इसकी इंडिया है। जबान इसकी तेलुगु है। इस फिल्म को जो लागत आई वो 100 करोड़ की लागत आई जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में आप ये देखेंगे कि राधा कृष्णा की कंपनी में क्लर्क के तौर पर अपने कैरियर का आगाज़ किया रामचंद जुआल ने आर्ट की बेटी या सोधा यासू से शादी करता है अमीर हो जाता है जबकि ए आर के वलिम्बिकी और रामचंद्र ने अनंत
1995 विलम की एक मुतवस्त तबके के फर्द के तौर पर रहता। इनके दोनों बच्चों की पैदाइश के दिन रामचंद्र का बेटा मुर्दा पैदा हुआ दिखाई देता है। जब नर्स सुलोचना ने विलम्बकी को इसके बारे में मुतला किया तो वो इस बच्चे को मुर्दा बच्चे के साथ तब्दील करने की पेशकश करता है। स्विच के बाद वो बच्चा जो मुर्दा दिखाई देता है रोना शुरू कर देता है। तहम विलम्बकी चाहता है कि इसका बेटा एक अमीर घराने में परवान चढ़े। जब सुलोचना दोबारा बच्चों को तब्दील करने की कोशिश करती है विलम्बकी ने इसे रोकने की कोशिश की और गलती से इसे धकेल दिया। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिरती है और कोमा में चली जाती है और विलम्बकी को दर्द होता है जो ऐसा ऐसा लंगड़ा होता है। विलम्बकी के बेटे का नाम राज है। विलम्बकी ने रामचंद्र के बेटे का नाम बंतोड़ रखा है। इसके हकीकी वालदेन की वजह से इसके साथ मामूली सलूक किया जाता है। विलम्बकी ने बंतु के MBA की अदायगी से इनकार करने के बाद बंतुआ मोलिया उर्फ अमू की सरबराई में एक रॉयल कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है जो एक खुद साख्ता कारोबारी 2020 शेखर के साथ एक मुख्य झगड़े और गलतफहमी के बाद बटोने का किरदार अदा किया। बिलआखिर बंतु अमू के लिए जज्बा पैदा करता है जब वो अमू शेखर और इनके साथी नवीद मेलाडी एक HR खतून से कंपनी कारोबारी दौरे के लिए पेरिस जाते हैं। वो सफ़र के फौरन बाद अमू अपने जज्बात का जवाब देते हैं। दरियसना राज बैरून मुल्क से वापस आया, अपना MBA बंद कराया। रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वो इससे अपनाए के और इसके बाद बेटे पेंट यथली को मुस्तित करने के लिए भेजता है जो एक अमीर ताकतवर बास आदमी है जो इनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र इस होटल से डील देखता है जहां अमू और बंटू की अमू की फॉर्म के पीछे सरमाकार श्रीशम से मुलाकात होती है जो अमूर की ट्रेल एजेंसी को वापस लेना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकटाहट और पेंट इतली को न खोने में नाकामी से मायूस है, लेकिन सरश्रम को न कहने पर बंधु और अमूर पर फख्र है। इसके बाद राज ARK तजवीज़ अमू का पनंद और मुआद मंसूख करने के लिए पहुंचे। चंद मिनट कबल शेर फरोख्त करने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने की कोशिश करता है। नायडू के आदमियों की तरफ से इन्हें रोकने की कई कोशिशों के बावजूद बंधु ने रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। वहां इसकी मुलाकात सुलोचना से हुई जो कि इसको ब्लैकमेल करती है और बंतु रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर में दाखिल होने का इंतजाम करता है। इसका नाम निकिता पोमफोरी सतह पर पसंद करता है। बंतु ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए ताल्लुकात जो कि नाजुक थे क्योंकि रामचंद्र का 7 साल कबल विवैती नामी एक औरत के साथ एक बार अफेयर हुआ था। पैदा थली के साथ तनाज़े तय करके और उनवान खानदान के अफराद सीता राम की सलाह करके घर के मसाइल का हल ढूंढते हैं। इसके बाद जो है ना उनके घर पर डाली गई पार्टी में यासु ने बंतु और अमू को एक दूसरे को बोसा देते हुए देखा। बंतु को विलम्बकी के घर से निकाल दिया जबकि अमू के राज के साथ मंगनी मंसूख कर दी गई। नई दास की सूरत हाल को अपने फायदे के लिए अगवा करके और अंदर को कत्ल करने की धमकी देकर इस्तेमाल करता है जब तक कि रमीचंद्र पीठ
ये थली का हिस्सा नहीं देता। जब लंबकी बंधु से लडु का बचाने के लिए मिन्नत करता है तो वह इनकार कर देता है। मंटू अपने हयातियाती वालिद रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इससे कहता है कि या सो को सच्चाई न बताए। इस ड्रामे के वो ये जानकर मायूस हो जाए कि राज इसका हकीकी बेटा नहीं है। इससे बेखबर हो और या सो ने रिमार्क्स दिए कि मंटू राज के सरबराह है, क्योंकि इसने नंद वार खानदान को बचाया। इस तरह बंटू को इसके 50% हिस्सा दिया, या फिर ओलंबिकी से राज को 50 साल तक तरतीब देने के लिए कहता था ताकि वो बंटू की तरह काबिल हो और कंपनी का CEO बन सके। ओलंबिकी के घर पहुंचने के बाद राज अपनी नई मुतवस्त तबके की जिंदगी और बंटू की पुरानी सफरी मुलाजमत से रास्त महसूस करती है और महसूस करते हुए कहने लगा कि ओलंबिकी को एक नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को तब्दील कर देना चाहिए था ताकि ओलंबिकी के घर जा सकें। रचविंदर के पास बंटू ओलंबिकी की मायूसी के लिए बहुत ज़्यादा कहानी का इंतजाम ओलंबिकी के साथ होता है। जब बंटू अम्बू के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है, साथ मंगनी का लेता है, हालांकि राज पहले ही अपनी कज़न नंदिनी नदू से मोहब्बत करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको दिखाई देगा। अल्लू अर्जुन बतौर बंटू के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा अमोलिया अम्बू के बतौर पूजा हेकड़े बंटू की मोहब्बत की लक्ष्मी के रोल में नजर आएंगी। तब्बू बतौर रिया सोदा या सू बंटू की हयातियाती माँ और राज की रजाई माँ के रोल में नजर आएंगी। चेरा बतौर रामचंद्र बंटू के हयातियाती वालिद और राज की रजा वालिद। रुशनाथ बतौर राज मनोहर राज। नविता पुथराज राज बतौर नंदिनी नंदू राज की मोहब्बत का सरदार। HR नदी बतौर शेखर एक योर और योर हैक्स मीन। सुनील बतौर सीताराम नंदिनी के चचा और काशीराम के बहनाई। बंटू के दादा और इन के रजाई दादा इन आजाद को संभालना सीखा था। वो हर्षाल वर्मन बतौर कशीर नंदिनी के वालिद और रिया की कज़न। रचंदर प्रसाद बतौर DG ISPR। गोविंद पद मसूरिया बतौर पेट यतनी अपनाइटो के बेटे। रोहित रेडी पब्लिक और बैंक्स में मुलाजिम के राम। वनिका कशूर बतौर डॉक्टर श्री निवास रामचंद्र के डॉक्टर। अजय बतौर सीतम पन्नाइंट के बहनोई के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तनकीला भराबी बतौर इंजीनियर प्रसाद मौलिया के वालिद। भरामाजी बैसत सरदार सन्नम मौलिया के फनासिर। रूहानी बतौर लक्ष्मी ओलंबिकी की बीवी रजाई माँ और राज के हयाती इशली। चमक चंदर बतौर चटीला मूर्ति एक लोन शार्क। अंगार जो के तोहफा पेरियर आदमी बंदरगाह पर कारगुन से काम करता है। दोस्तों ये है जी इस मूवी के करैक्टर जो कि हमने आपको बताए, यकीनन आपको पसंद भी आए होंगे। अला विकंथु पुरु मोलो एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी श्री श्रीवी ने की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेकड़े ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये मूवी 2020 में बनाई गई थी और इस फिल्म में तब्बू जयराम सोशनाथ न्यू नीरियथा पेथुराज मुरली शर्मा सुमु थेराकानी नवदीप सनील सचन खीड यक्कर गोविंद पर्थ मसूरिया हर्षवर्धन रोहनी वनीला कशूर समेत देगर शामिल हैं। अच्छे और रचंदर पर सादा इसे अल्लू अर्जुन एस
राधा कृष्णा ने बिलतरतीब गीता आर्ट्स और हरिका एट्स सैन क्रिशर्स के पैनल के तहत तैयार किया है। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में मुकम्मल हो गई। इसे पूरे हैदराबाद में फिल्माया गया। गानों को बैरून मुल्क फिल्माया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक एस थम्मन ने तरतीब दिया है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग बिलतरतीब पी एस वनूद नवीन नोली ने की। 11 जनवरी 2022 को सताए मुतहदा में प्रीमियर होने के बाद फिल्म संगरत्ती के मौके पर 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म ने कास्ट की परफॉर्मेंस, थम्मन की मौसीकी, तफरी कत और त्रोयक्रम की तहरीर और हिदायतकारी की तारीफ के साथ अच्छी तनकीदी पेशराई हासिल की। ये फिल्म तजारती लिहाज से कामयाब रही और इसने दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ रुपए कमाए। ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक बन गई। थम्मन ने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्शन कॉन्स्ट्रक्शनल फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म ने 10 सोन इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते, जिनमें बेहतरीन फिल्म तेलुगु भी शामिल है। शहजादा के नाम से हिंदी जबान का रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है त्रिविक्रम, और इस मूवी को जिसने स्क्रीन प्ले दिया है उनका नाम भी त्रिविक्रम ही है। तो डायलॉग भी इसी के ही हैं और स्टोरी भी इसी की ही है, और प्रोडक्शन जिसने दी है वो अल्लू ने दी है, और इसके साथ दे रहे हैं एस राधा कृष्णा, और इसमें मेन किरदार अल्लू अर्जुन कर रहे हैं। साथ में इनके हैं पूजा हेगड़े और तब्बू भी मशहूर एक्टर्स हैं, वो भी इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ जो इनका जो चौथे नंबर पर जो मेन किरदार जिसको दिया गया है उनका नाम है जयराम, सुषनाथ, नविता पिथारेज, मुरली शर्मा, और इसके साथ नदीव, सुनील एंड सचिन खिदिकर। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है पी एस विनोद ने, एडिट किया है इस मूवी को नवीन नोली ने, म्यूजिक दिया है इस मूवी को थम्मन एस ने, और इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो गीता आर्ट्स है। इसके साथ हरिका एंड हुसैनी क्रिएटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय गीता आर्ट्स है। रिलीज डेट 12 जनवरी 2020 है। रनिंग टाइम इसका 165 मिनट का है, और कंट्री इसकी इंडिया है, जबान इसकी तेलुगु है। इस फिल्म को मुझे लागत आई वो 100 करोड़ की लागत आई, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी में आप ये देखेंगे कि राधा कृष्णा की कंपनी में क्लर्क के तौर पर अपने कैरियर का आगाज़ किया रामचंद जुआले आर्ट की बेटी या सोधा यासू से शादी करता है, अमीर हो जाता है, जबकि ए आर के वलिम्बिकी और रामचंद्र ने अनंत 1995 विलम्ब की एक मुतवस्त तबके के फर्द के तौर पर रहता। इनके दोनों बच्चों की पैदाइश के दिन रामचंद्र का बेटा मुर्दा पैदा हुआ दिखाई देता है। जब नर्स सुलूचना ने विलम्ब की को इसके बारे में मुतला किया तो वो इस बच्चे को मुर्दा बच्चे के साथ तब्दील करने की पेशकश करता है। स्विच के बाद वो बच्चा जो मुर्दा दिखाई देता है रोना शुरू कर देता है। तहम विलम्ब की चाहता है कि इसका बेटा एक अमीर घराने में परवान चढ़े। जब सुलोचना दोबारा बच्चों को तब्दील करने की कोशिश करती है, विलम्ब की ने इसे रोकने की कोशिश की और गलती से इसे धकेल दिया। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिरती है और कोमा में चली जाती है।
और उलंबगी को दर्द होता है जो ऐसा ऐसा लंगड़ा होता है। उलंबगी के बेटे का नाम राज है। उलंबगी ने रामचंद्र के बेटे का नाम बंतोड़ रखा है। इसके हकीकी वालदेन की वजह से इसके साथ मामूली सलूक किया जाता है। उलंबगी ने बंतु के MBA की अदायगी से इनकार करने के बाद बंतुआ मोलिया उर्फ अमोकी सरबराई में एक रॉयल कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है, जो एक खुद साख्ता कारोबारी 2020 शेखर के साथ एक मुख्तसर झगड़े और गलतफहमी के बाद पटोने का किरदार अदा किया। बलाखिर बंतु अमू के लिए जज्बा पैदा करता है जब वो अमू शेखर और इनके साथी रवीद मेलाडी एक HR खतून से कंपनी कारोबारी दौरे के लिए पेरिस जाते हैं और सफ़र के फौरन बाद अमू अपने जज्बात का जवाब देते हैं। प्रियसना राज बैरून मुल्क से वापस आया, अपना MBA बंद कराया। रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वो इससे अपनाए के और उसके बाद बेटे पेंट यथली को मुस्तित करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर ताकतवर बासर आदमी है जो इनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र इस होटल से डील देखता है जहां अमूर और बंटो की अमू की फॉर्म के पीछे सरमाकार श्रीशम से मुलाकात होती है, जो अमूर की ट्रेल एजेंसी को वापस लेना चाहता है। रामचंद्र राज हिचकटाहट और पेंट इतली को न खोने में नाकामी से मायूस है, लेकिन सरश्रीशम को न कहने पर बंधु और अमूर पर फख्र है। इसके बाद राज ARK तजवीज़ अमूर का पनंद और मुआद मंसूर करने के लिए पहुंचे। चंद मिनट कबल शेर फरोख्त करने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने की कोशिश करता है। नायडू के आदमियों की तरफ से इन्हें रोकने की कई कोशिशों के बावजूद बंधु ने रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। वहां इसकी मुलाकात सलू चना से हुई, जो कि इसको ब्लैकमेल करती है और बंतु रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर में दाखिल होने का इंतजाम करता है, जिसका नाम निकिता पोमफोरी शताब्दी पसंद करता है। बंतु ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए ताल्लुकात, जो कि नाजुक थे क्योंकि रामचंद्र का 7 साल कबल रिवैती नामी एक औरत के साथ एक बार अफेयर हुआ था, पैदा थली के साथ तनाज़ तय करके और उनवान खानदान के अफराद सीता राम की सलाह करके घर के मसाइल का हल ढूंढते हैं। इसके बाद जो है ना, उनके घर पर डाली गई पार्टी में यासू ने बंतु और अमू को एक दूसरे को बोसा देते हुए देखा। बंतु को उलंबगी के घर से निकाल दिया, जबकि अमू के राज के साथ मंगनी मंसूर कर दी गई। नई दास की सूरत हाल को अपने फायदे के लिए अगवा करके और अंदर को कत्ल करने की धमकी देकर इस्तेमाल करता है, जब तक कि रामचंद्र पीठ यथली का हिस्सा नहीं देता। जब उलंबगी बंतु से नदू का बचाने के लिए मिन्नत करता है तो वह इनकार कर देता है। मंटू अपने हयातियाती वालिद रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इससे कहता है कि या सो को सच्चाई न बताए। इस ड्रामे के वो ये जानकर मायूस हो जाए कि राज इसका हकीकी बेटा नहीं है, इससे बेखबर हो और या सोने रिमार्क्स दिए कि मंटू राज के सरबराह है, क्योंकि इसने नंद
वार्ड खानदान को बचाया। इस तरह बट्टू को इसके 50% हिस्सा दिया या फिर ओलंबिकी से राज को 50 साल तक तरतीब देने के लिए कहता था ताकि वो बंधु की तरह काबिल हो और कंपनी का CEO बन सके। ओलंबिकी के घर पहुंचने के बाद राज अपनी नई मुतवस्त तबके की जिंदगी और बंधु की पुरानी सफरी मुलाजमत से रास्त महसूस करती है और महसूस करते हुए कहने लगा कि ओलंबिकी को एक नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को तब्दील कर देना चाहिए था ताकि ओलंबिकी के घर जा सकें। रचविंदर के पास बंटू ओलंबिकी की मायूसी के लिए बहुत ज़्यादा कहानी का इंतजाम ओलंबिकी के साथ होता है। जब बंटू अम्बू के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है, साथ मंगनी का लेता है, हालांकि राज पहले ही अपनी कज़न नंदिनी नदू से मोहब्बत करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको दिखाई देगा। अल्लू अर्जुन बतौर बंटू के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा अमोलिया अम्बू के बतौर पूजा हेकड़े बंटू की मोहब्बत की लक्ष्मी के रोल में नजर आएंगी। तब्बू बतौर रिया सोदा या सू बंटू की हयातियाती माँ और राज की रजाई माँ के रोल में नजर आएंगी। चेरा बतौर रामचंद्र बंटू के हयातियाती वालिद और राज के रजा वालिद। खुशनाथ बतौर राज मनोहर राज। नविता पुथराज राज बतौर नंदिनी नंदू राज की मोहब्बत का सरदार। एच आर नदी बतौर शेखर पैक योर और योर हैग्स मील। सुनील बतौर सीताराम नंदिनी के चचा और काशीराम के बहनाई। बंटू के दादा और इन के रजाई दादा इन आज़ाद को संभालना सीखा था। ओ हर्षाल वर्मन बतौर कशीर नंदिनी के वालिद और रियास के कज़न। रचंदर प्रसाद बतौर DG ISPR। गोविंद पद मसूरिया बतौर पेट यथली नाइट के बेटे। रोहित रेडी पब्लिक और बैंक्स में मुलाजिम के राम। वनिका कशूर बतौर डॉक्टर श्री निवास रामचंद्र के डॉक्टर। अजय बतौर सीतम पन्नाइंट के बहनोई के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तनकीला भराती बतौर इंजीनियर प्रसाद मौलिया के वालिद। भरामाजी बैसत सरदार सन्नम मौलिया के फनासिर। रूहानी बतौर लक्ष्मी ओलंबिकी की बीवी रजाई माँ और राज के हयाती ईश्वरी। चमक चंदर बतौर चटीला मूर्ति एक लोन शार्क अंगार जो के तौर पर पेरियर आदमी बंदरगाह पर कारगुन से काम करता है। दोस्तों ये है जी इस मूवी के करैक्टर जो कि हमने आपको बताए, यकीनन आपको पसंद भी आए होंगे। अला विकंथु पुरु मोलो एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी श्री श्रीवी ने की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये मूवी 2020 में बनाई गई थी और इस फिल्म में तब्बू जयराम सोशनाथ न्यू नीरियथा पेथुराज मुरली शर्मा सुमु थेराकानी नवदीप सनील सचन खीड यक्कर गोविंद पर्द मसूरिया हर्षवर्धन रोहनी वनीला कशूर समेत देगर शामिल हैं। अजय और रचंदर पर सादा इसे अल्लू अर्जुन एस राधा कृष्णा ने बिलतरतीब गीता आर्ट्स और हरिका एट्स सैन क्रिशर्स के पैनल के तहत तैयार किया है। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में मुकम्मल हो गई। इसे पूरे हैदराबाद में फिल्माया गया। गानों को बैरून मुल्क फिल्माया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक एस थम्मन ने तरतीब दिया है जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग बतरतीब पी एस वनूत
नुईन नोली ने की। 11 जनवरी 2022 को सताए मुतहदा में प्रीमियर होने के बाद फिल्म संगरत्ती के मौके पर 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म ने कास्ट की परफॉर्मेंस, थम्मन की मौसीकी, तफरी कत और त्रोयक्रम की तहरीर और हिदायतकारी की तारीफ के साथ अच्छी तनकीदी पेशराई हासिल की। ये फिल्म तजारती लिहाज से कामयाब रही और इसने दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ रुपए कमाए। ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक बन गई। तम्मन ने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्शन कॉन्स्ट्रक्शनल फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म ने 10 सॉन्ग इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते, जिनमें बेहतरीन फिल्म तेलुगु भी शामिल है। शहजादा के नाम से हिंदी जबान का रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है त्रिविक्रम, और इस मूवी को जिसने स्क्रीन प्ले दिया है उनका नाम भी त्रिविक्रम ही है। तो डायलॉग भी इसी के ही है और स्टोरी भी इसी की ही है, और प्रोडक्शन जिसने दी है वो अल्लू ने दी है, और इसके साथ दे रहे हैं एस राधा कृष्णा, और इसमें मेन किरदार अल्लू अर्जुन कर रहे हैं, साथ में इनके हैं पूजा हेगड़े और तब्बू भी मशहूर एक्टर्स हैं, वो भी इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ जो इनका जो चौथे नंबर पर जो मेन किरदार जिसको दिया गया है उनका नाम है जयराम, सुषनाथ, नविता पिथारेज, मुरली शर्मा, और इसके साथ नदीव, सुनील एंड सचिन खिदिकर। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है पी एस विनोद ने, एडिट किया है इस मूवी को नवीन नोली ने, म्यूजिक दिया है इस मूवी को तमन एस ने, और इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो गीता आर्ट्स है। इसके साथ हरिका एंड हुसैनी क्रिएटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय गीता आर्ट्स है। रिलीज डेट 12 जनवरी 2020 है। रनिंग टाइम इसका 165 मिनट का है, और कंट्री इसकी इंडिया है, जबान इसकी तेलुगु है। इस फिल्म को जो लागत आई वो 100 करोड़ की लागत आई, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में आप ये देखेंगे कि राधा कृष्णा की कंपनी में क्लर्क के तौर पर अपने कैरियर का आगाज़ किया रामचंद जुआले आर्ट की बेटी या सोधा यासू से शादी करता है, अमीर हो जाता है, जबकि ए आर के वलिम्बिकी और रामचंद्र ने अनंत 1995 विलंब की एक मुतवस्त तबके के फर्द के तौर पर रहता है। इनके दोनों बच्चों की पैदाइश के दिन रामचंद्र का बेटा मुर्दा पैदा हुआ दिखाई देता है। जब नर्स सुलोचना ने विलंब की को इसके बारे में मुतला किया तो वो इस बच्चे को मुर्दा बच्चे के साथ तब्दील करने की पेशकश करता है। स्विच के बाद वो बच्चा जो मुर्दा दिखाई देता है रोना शुरू कर देता है। तहम विलंबकी चाहता है कि इसका बेटा एक अमीर घराने में परवान चढ़े। जब सुलोचना दोबारा बच्चों को तब्दील करने की कोशिश करती है विलंबकी ने इसे रोकने की कोशिश की और गलती से इसे धकेल दिया। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिरती है और कोमा में चली जाती है, और विलंबकी को दर्द होता है जो ऐसा ऐसा लंगड़ा होता है। विलंबकी के बेटे का नाम राज है। विलंबकी ने रामचंद्र के बेटे का नाम बंतोड़ रखा है। इसके हकीकी वालदेन की वजह से इसके साथ मामूली सलूक किया जाता है। विलंबकी ने बंतु के MBA की अदायगी से इनकार करने के बाद बंतुआ मोलिया उर्फ अमुखी सरबराई में एक ट्रोयल
कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है, जो एक खुद साख्ता कारोबारी 2020 शेखर के साथ एक मुख्य झगड़े और गलत फहमी के बाद पटोने का किरदार अदा किया। बल आखिर पंतु अमू के लिए जज्बात पैदा करता है जब वो अमू शेखर और इन के साथ रवीद रेडी एक HR खतून से कंपनी कारोबारी दौरे के लिए पेरिस जाते हैं। वो सफ़र के फौरन बाद अमू अपने जज्बात का जवाब देते हैं। ग्रियसना राज बैरून मुल्क से वापस आया, अपना MBA बंद कराया। रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वो इससे अपनाए के और इसके बाद बेटे पेंट यथली को मुस्तित करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर ताकतवर बासर आदमी है, जो इनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र इस होटल से डील देखता है जहां अमूर और बंटू की अमूर की फॉर्म के पीछे सरमायाकार श्रीशम से मुलाकात होती है, जो अमूर की ट्रेल एजेंसी को वापस लेना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकटाहट और पेंट इतली को न खोने में नाकामी से मायूस है, लेकिन सरशिशन को न कहने पर बंधु और अमूर पर फख्र है। इसके बाद राज ARK तजवीज़ अमू का पनंद और मुआद मंसूर करने के लिए पहुंचे। चंद मिनट कबल शेर फरोख्त करने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने की कोशिश करता है। नायडू के आदमियों की तरफ से इन्हें रोकने की कई कोशिशों के बावजूद बंतु ने रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। वहां इसकी मुलाकात सुलू चना से हुई, जो कि इसको ब्लैकमेल करती है, और बंतु रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर में दाखिल होने का इंतजाम करता है। इसका नाम निकिता पोमपुरी शताब्दी पसंद करता है। बंतु ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए ताल्लुकात, जो कि नाजुक थे क्योंकि रामचंद्र का 7 साल कबल रिवैती नामी एक औरत के साथ एक बार अफेयर हुआ था, पैदा थली के साथ तनाज़े तय करके और उनवान खानदान के अफराद सीता राम की सलाह करके घर के मसाइल का हल ढूंढते हैं। इसके बाद जो है ना, उनके घर पर डाली गई पार्टी में यासू ने बंतु और अमू को एक दूसरे को बोसा देते हुए देखा। बंतु को उलंदगी के घर से निकाल दिया, जबकि अमू के राज के साथ मंगनी मंसूर कर दी गई। नई दास की सूरत हाल को अपने फायदे के लिए अगवा करके और अंदर को कत्ल करने की धमकी देकर इस्तेमाल करता है, जब तक कि रामचंद्र अपीट यथली का हिस्सा नहीं देता। जब उल्लंबकी बंधु से लड्डू का बचाने के लिए मिन्नत करता है तो वह इनकार कर देता है। मंटू अपने हयातियाती वालिद रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इससे कहता है कि या सो को सच्चाई न बताए। इस ड्रामे के वो ये जानकर मायूस हो जाए कि राज इसका हकीकी बेटा नहीं है, इससे बेखबर हो, और या सोने रिमार्क्स दिए कि बंटू राज के सरबराह है क्योंकि इसने नंदवर खानदान को बचाया। इस तरह बंटू को इसके 50% हिस्सा दिया, या फिर ओलंपिकी से राज को 50 साल तक तरतीब देने के लिए कहता था ताकि वो बंटू की तरह काबिल हो और कंपनी का CEO बन सके। लंकी के घर पहुंचने के बाद राज अपनी नई मुतवस्त तबके की जिंदगी और बंटू की पुरानी सफरी मुलाजमत से रास्त महसूस करती है, और महसूस करते हुए कहने लगा कि लंबगी को एक नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को तब्दील कर देना चाहिए था।
ताकि वो लंबगी के घर जा सकें। रचविंदर के पास बंटू और लंबगी की मायूसी के लिए बहुत ज़्यादा कहानी का इंतजाम लंबगी के साथ होता है जब बंटू अम्बू के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है, साथ मंगनी का लेता है। हालांकि राज पहले ही अपनी कज़न नंदिनी नद्दू से मोहब्बत करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको दिखाई देगा। अल्लू अर्जुन बतौर बंटू के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा अमोलिया अम्बू के बतौर पूजा हेकड़े बंटू की मोहब्बत की लक्ष्मी के रोल में नजर आएंगी। तब्बू बतौर रियासुदा यासू बंटू की हयातियाती माँ और राज की रजाई माँ के रोल में नजर आएंगी। चेरा बतौर रामचंद्र बंटू के हयातियाती वालिद और राज की रजा वालिद। रुशनाथ बतौर राज मनोहर राज। नविता पुथराज राज बतौर नंदिनी नंदू राज की मोहब्बत का सरदार। एच आर नदी बतौर शेखर एक योर और योर हैग्स मीन। सुनील बतौर सीताराम नंदिनी के चचा और काशीराम के बहनाई। बंटू के दादा और इन के रजाई दादा इन आजाद को संभालना सीखा था। ओ हर्षा वर्मन बतौर कशीर नंदिनी के वालिद और रियास की कज़न। रचंदर प्रसाद बतौर डी जी आई एस पी आर। गोविंद पद मसूरिया बतौर पेट यत्नी अपनाइटो के बेटे। रोहित रेडी पब्लिक और बैंक में मुलाजिम के राम। वनिका कशूर बतौर डॉक्टर श्री निवास रामचंद्र के डॉक्टर। अजय बतौर सीतम पन्नाइंट के बहनोई के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तनकीला भराती बतौर इंजीनियर प्रसाद मौलिया के वालिद। भरामाजी बैसते सरदार सन्नम मौलिया के फनासिर। रूहानी बतौर लक्ष्मी ओलंबिकी की बीवी रजाई माँ और राज के हयाती इशदी। चमक चंदर बतौर चटीला मूर्ति एक लोन शार्क। रंगार जो के तौर पर पेरियर आदमी बंदरगाह पर कारगुन से काम करता है। दोस्तों ये है जी इस मूवी के करेक्टर जो के हमने आपको पता है किन्न आपको पसंद भी आए होंगे। अल्लाह विकंथु पुरु मोलो एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी श्री श्रीवी ने की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेकड़े ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये मूवी 2020 में बनाई गई थी और इस फिल्म में तब्बू जयराम सोशनाथ न्यू निर्यथा पेथुराज मुरली शर्मा सुमु थेराकानी नवदीप सनील सचन खीट यक्कर गोविंद पर्द मसूरिया हर्षावर्धन रोहनी वनीला कशूर समेत देगर शामिल है। अच्छे और रचंदर पर सादा इसे अलू अर्जुन एस राधा कृष्णा ने बिलतरतीब गीता आर्ट्स और हरिका एट्स सैन क्रिशर्स के पैनल के तहत तैयार किया है। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में मुकम्मल हो गई। इसे पूरे हैदराबाद में फिल्माया गया। गानों को बैरोने मुल्क फिल्माया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक एस थम्मर ने तरतीब दिया है जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बतरतीब पी एस वनूद नवीन नोली ने की। 11 जनवरी 2022 को सताए मोथद्दा में प्रीमियर होने के बाद फिल्म संगरत्ती के मौके पर 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म ने कास्ट की परफॉर्मेंस हमन की मौसीकी तफरी कत और त्रोयक्रम की तहरीर और हिदायतकारी की तारीफ के साथ अच्छी तनकीदी पेशराई हासिल की। ये फिल्म तजारती लिहाज से कामयाब रही और इसने दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ रुपए कमाए। ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली
हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक बन गई। तम्मन ने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्शन कॉन्स्ट्रक्शनल फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म ने 10 सोन इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते, जिनमें बेहतरीन फिल्म तेलुगु भी शामिल है। शहजादा के नाम से हिंदी जबान का रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है त्रिविक्रम, और इस मूवी को जिसने स्क्रीन प्ले दिया है उनका नाम भी त्रिविक्रम ही है, और डायलॉग भी इसी के ही हैं और स्टोरी भी इसी की ही है, और प्रोडक्शन जिसने दी है वो अल्लू ने दी है, और इसके साथ दे रहे हैं एस राधा कृष्णा, और इसमें मेन किरदार अल्लू अर्जुन कर रहे हैं, साथ में इनके हैं पूजा हेगड़े और तब्बू भी मशहूर एक्टर्स हैं, वो भी इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। जिसके साथ जो इनको जो चौथे नंबर पर जो मेन किरदार जिसको दिया गया है उनका नाम है जयराम, सुषनाथ, नविता, पिथारेज, मुरली शर्मा, और इसके साथ नदीव, सुनील एंड सचिन खिदेकर। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है P.S. विनोद ने, एडिट किया है इस मूवी को नवीन लोली ने, म्यूजिक दिया है इस मूवी को तमन एस ने, और इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो गीता आर्ट्स है। इसके साथ हरिका एंड हुसैनी क्रिएटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय गीता आर्ट्स है। रिलीज डेट 12 जनवरी 2020 है। रनिंग टाइम इसका 165 मिनट का है, और कंट्रीज की इंडिया है, जबान इसकी तेलुगु है। इस फिल्म को बोली लागत आई वो 100 करोड़ की लागत आई, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी में आप ये देखेंगे कि राधा कृष्णा की कंपनी में क्लर्क के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया रामचंद जुआले आर्ट की बेटी या सोधा यासु से शादी करता है, अमीर हो जाता है, जबकि ए आर के विलिम्बिकी और रामचंद्र ने अनंत 1995 विलिम्बिकी एक मुतवसित तबके के फर्द के तौर पर रहता है। इनके दोनों बच्चों की पैदाइश के दिन रामचंद्र का बेटा मुर्दा पैदा हुआ दिखाई देता है। जब नर्स सुलोचना ने विलिम्बिकी को इसके बारे में मुतला किया तो वो इस बच्चे को मुर्दा बच्चे के साथ तब्दील करने की पेशकश करता है। स्विच के बाद वो बच्चा जो मुर्दा दिखाई देता है रोना शुरू कर देता है। तहम विलिम्बिकी चाहता है कि इसका बेटा एक अमीर घराने में परवान चढ़े। जब सुलोचना दोबारा बच्चों को तब्दील करने की कोशिश करती है, विलिम्बिकी ने इसे रोकने की कोशिश की और गलती से इसे धकेल दिया। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिरती है और कोमा में चली जाती है, और विलिम्बिकी को दर्द होता है जो ऐसा ऐसा लंगड़ा होता है। विलिम्बिकी के बेटे का नाम राज है। विलिम्बिकी ने रामचंद्र के बेटे का नाम बंतोड़ रखा है। इसके हकीकी वालदेन की वजह से इसके साथ मामूली सलूक किया जाता है। विलिम्बिकी ने बंतु के MBA की अदायगी से इनकार करने के बाद बंतुआ मोलिया उर्फ अमोकी सरबराई में एक ट्रोयल कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है, जो एक खुद साख्ता कारोबारी 2020 शेखर के साथ एक मुख्तसर झगड़े और गलतफहमी के बाद पटोने का किरदार अदा किया। बलाखिर पंतु अमू के लिए जज्बात पैदा करता है जब वो अमू शेखर और इनके साथी नवीद मेलेडी एक HR खतून से कंपनी कारोबारी दौरे के लिए पेरिस जाते हैं, और सफ़र के फौरन बाद अमू अपने जज्बात का जवाब देते हैं। कृष्णा राज बैरून मुल्क से वापस आया, अपना MBA बंद कराया,
रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वो इससे अपनाए के और इसके बाद बेटे पेंट यथली को मुस्तित करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर ताकतवर बास आदमी है, जो इनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र इस होटल से डील देखता है जहां अमूर और बंटो की अमूर की फॉर्म के पीछे सरमाकार श्रीशम से मुलाकात होती है, जो अमूर की ट्रेल एजेंसी को वापस लेना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकटाहट और पेंट इतली को न खोने में नाकामी से मायूस है, लेकिन सरशिशन को न कहने पर बंधु और अमू पर फख्र है। इसके बाद राज ए आर के तजवीज़ अमू का पनंद और मुआद मंसूर करने के लिए पहुंचे। चंद मिनट कबल शेर फरोख्त करने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने की कोशिश करता है। नायडू के आदमियों की तरफ से इन्हें रोकने की कई कोशिशों के बावजूद बंधु ने रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। वहां इसकी मुलाकात सुलोचना से हुई, जो कि इसको ब्लैकमेल करती है, और बंधु रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर में दाखिल होने का इंतजाम करता है, जिसका नाम निकिता पोमफोरी शताब्दी पसंद करता है। बंधु ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए ताल्लुकात, जो कि नाजुक थे क्योंकि रामचंद्र का 7 साल कबल विवैती नामी एक औरत के साथ एक बार अफेयर हुआ था, पैदा थली के साथ तनाज़ तय करके और उनवान खानदान के अफराद सीता राम की सलाह करके घर के मसाइल का हल ढूंढते हैं। इसके बाद जो है ना, उनके घर पर डाली गई पार्टी में यासु ने बंधु और अमू को एक दूसरे को बोसा देते हुए देखा। बंधु को उलंबगी के घर से निकाल दिया, जबकि अमू के राज के साथ मंगनी मंसूर कर दी गई। नईद दास की सूरत हाल को अपने फायदे के लिए अगवा करके और अंदर को कत्ल करने की धमकी देकर इस्तेमाल करता है, जब तक कि रामचंद्र अपीट यथली का हिस्सा नहीं देता। जब उल्लंबिकी बंधु से लघु का बचाने के लिए मिन्नत करता है तो वह इनकार कर देता है। मंटु अपने हयातियाती वालिद रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इससे कहता है कि या सो को सच्चाई न बताए। इस ड्रामे के वो ये जानकर मायूस हो जाए कि राज इसका हकीकी बेटा नहीं है, इससे बेखबर हो और या सोने रिमार्क्स दिए के बंटू राज के सरबराह है, क्योंकि इसने नंदवर खानदान को बचाया। इस तरह बंटू को इसके 50% हिस्सा दिया, या फिर ओलंपिकी से राज को 50 साल तक तरतीब देने के लिए कहता था, ताकि वो बंटू की तरह काबिल हो और कंपनी का CEO बन सके। लंकी के घर पहुंचने के बाद राज अपनी नई मुतवस्त तबके की जिंदगी और बंधु की पुरानी सफरी मुलाजमत से रास्त महसूस करती है, और महसूस करते हुए कहने लगा कि लंकी को एक नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को तब्दील कर देना चाहिए था, ताकि वो लंबगी के घर जा सकें। रामचंद्र के पास बंटू और लंबगी की मायूसी के लिए बहुत ज़्यादा कहानी का इंतजाम लंबगी के साथ होता है, जब बंटू अम्बू के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है, साथ मंगनी का लेता है। हालांकि राज पहले ही अपनी कज़न नंदिनी नदू से मुहब्बत करता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको दिखाई देगा। अल्लू अर्जुन बतौर बंटू के रोल में नजर आएंगे, इसके अलावा अमोलिया अम्बू के बतौर पूजा हेकड़े बंटू की मोहब्बत की लक्ष्मी के रोल में नजर आएंगी, तब्बू बतौर रिया सोदा यासु बंटू की हयातियाती माँ और राज की रजाई माँ के रोल में नजर आएंगी, चेरा बतौर रामचंद्र बंटू के हयातियाती वालिद और राज की रजा वालिद, खुशनाथ बतौर
राज मनोहर, राज नविता, पुथराज, राज बतौर, नंदनी, नंदू, राज की मोहब्बत का सरदार, एच आर नदी, बतौर शेखर, एक योर फोर योर हैग्स मीन, सुनील बतौर सीताराम, नंदनी के चचा और काशीराम के बहनाई, बंटू के दादा और इन के रजाई दादा, इन आजाद को संभालना सीखा था वो, हर्षाल वर्मन बतौर कशीर, नंदिनी के वालिद और वरिया के कजन, रचंदर प्रसाद बतौर डी जी आई एस पी आर, गोविंद पद मसूरिया बतौर पेट यतनी अपनाइटो के बेटे, रोहित रेडी पब्लिक और बैंक्स में मुलाजिम के राम, वनिका कशूर बतौर डॉक्टर श्री निवास रामचंद्र के डॉक्टर, अजय बतौर सीतम पन्नाइंट के बहनोई के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तनकीला भराती बतौर इंजीनियर प्रसाद मौलिया के वालिद, भरामाजी बैसे सरदार सन्नम मौलिया के फनासिर, रूहानी बतौर लक्ष्मी ओलंपिकी की बीवी, रजाई माँ और राज के हयाती इशबी, चमक चंदर बतौर चटीला मूर्ति, एक लोन शार्क अंगार जो के तौर पर पेरियर आदमी बंदरगाह पर कारगुन से काम करता है। तो ये है जी इस मूवी के करेक्टर जो कि हमने आपको पता है किन आपको पसंद भी आए होंगे। अल्लाह विकंथु पुरु मोलो एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी श्री श्रीवी ने की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये मूवी 2020 में बनाई गई थी और इस फिल्म में तब्बू, जयराम, सोशनाथ, न्यू नीदियथा, पेथुराज, मुरली शर्मा, सुमु थेराकानी, नवदीप, सनील सचन, खेड यक्कर, गोविंद पर्त मसूरिया, हर्षवर्धन, रोहनी वनीला कशूर समेत देगर शामिल हैं। अच्छे और रचंदर पर सादा इसे अलू अर्जुन एस राधा कृष्णा ने बिलतरतीब, गीता आर्ट्स और हरिका एट्स सैन क्रिशर्स के पैनल के तहत तैयार किया है। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में मुकम्मल हो गई। इसे पूरे हैदराबाद में फिल्माया गया, गानों को बैरोने मुल्क फिल्माया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक एस थम्मन ने तरतीब दिया है जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग बतरतीब पी एस वनूद नवीन नोली ने की। 11 जनवरी 2022 को सताए मुतहदा में प्रीमियर होने के बाद फिल्म संगरत्ति के मौके पर 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म ने कास्ट की परफॉर्मेंस, थम्मन की मौसीकी, तफरी कत और त्रोयक्रम की तहरीर और हिदायतकारी की तारीफ के साथ अच्छी तनकीदी पेशराई हासिल की। ये फिल्म तजारती लिहाज से कामयाब रही और इसने दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ रुपए कमाए। ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक बन गई। तम्मन ने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्शन कॉन्स्ट्रक्शनल फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म ने 10 सॉन्ग इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते जिनमें बेहतरीन फिल्म तेलुगु भी शामिल है। शहजादा के नाम से हिंदी जबान का रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है त्री विक्रम और इस मूवी को जिसने स्क्रीन प्ले दिया है उनका नाम भी त्री विक्रम ही है और डायलॉग भी इसी के ही हैं और स्टोरी भी इसी की ही है और प्रोडक्शन जिसने दी है वो अल्लू ने दी है और इसके साथ दे रही है एस राधा कृष्णा और इसमें मेल किरदार अल्लू
अर्जुन कर रहे हैं, साथ में इनके हैं पूजा हेगड़े और तब्बू भी मशहूर एक्टर्स हैं, वो भी इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ जो इनका जो चौथे नंबर पर जो मेन किरदार जिसको दिया गया है उनका नाम है जयराम, सुषनाथ, नविता, इथारेज, मुरली शर्मा और इसके साथ नदीव, सुनील एंड सचिन किदिक्कर। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है PS विनोद ने, एडिट किया है इस मूवी को नवीन लोली ने, म्यूजिक दिया है इस मूवी को तमन एस ने और इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो गीता आर्ट्स है। इसके साथ हरिका एंड हुसैनी क्रिएटर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूट बाय गीता आर्ट्स है। रिलीज डेट 12 जनवरी 2020 है। रनिंग टाइम इसका 165 मिनट का है और कंट्री इसकी इंडिया है, जबान इसकी तेलुगु है। इस फिल्म को जो लागत आई वो 100 करोड़ की लागत आई, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में आप ये देखेंगे कि राधा कृष्णा की कंपनी में क्लर्क के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया रामचंद जुआले आर्ट की बेटी या सोधा यासू से शादी करता है, अमीर हो जाता है, जबकि ARK वलिंबकी और रामचंद्र ने अनंत 1995 वलिंबकी एक मुतवसित तबके के फर्द के तौर पर रहता है। इनके दोनों बच्चों की पैदाइश के दिन रामचंद्र का बेटा मुर्दा पैदा हुआ दिखाई देता है। जब नर्स सुलोचना ने वलिंबकी को इसके बारे में मुतला किया तो वो इस बच्चे को मुर्दा बच्चे के साथ तब्दील करने की पेशकश करता है। स्विच के बाद वो बच्चा जो मुर्दा दिखाई देता है रोना शुरू कर देता है। तहम वलिंबकी चाहता है कि इसका बेटा एक अमीर घराने में परवान चढ़े। जब सुलोचना दोबारा बच्चों को तब्दील करने की कोशिश करती है वलिंबकी ने इसे रोकने की कोशिश की और गलती से इसे धकेल दिया। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिरती है और कोमा में चली जाती है और वलिंबकी को दर्द होता है जो ऐसा ऐसा लंगड़ा होता है। वलिंबकी के बेटे का नाम राज है। वलिंबकी ने रामचंद्र के बेटे का नाम बंतोड़ रखा है। इसके हकीकी वालदेन की वजह से इसके साथ मामूली सलूक किया जाता है। वलिंबकी ने बंतु के MBA की अदायगी से इनकार करने के बाद बंतुआ मोलिया उर्फ अमोकी सरबराई में एक ट्रेल कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है जो एक खुद साख्ता कारोबारी 2020 शेखर के साथ एक मुख्य झगड़े और गलतफहमी के बाद बटोने का किरदार अदा किया। बल आखिर पंतु अमू के लिए जज्बात पैदा करता है जब वो अमू शेखर और इनके साथ नवीद रेड्डी एक HR खतून से कंपनी कारोबारी दौरे के लिए पेरिस जाते हैं। वो सफ़र के फौरन बाद अमू अपने जज्बात का जवाब देते हैं। फिर यसना राज बैरून मुल्क से वापस आया, अपना MBA बंद कराया। रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वो इससे अपनाए के और इसके बाद बेटे पेंट इथली को मुस्तित करने के लिए भेजता है जो एक अमीर ताकतवर बासर आदमी है जो इनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र इस होटल से डील देखता है जहां अमूद और बंटू की अमू की फॉर्म के पीछे सरमाकार श्रीशम से मुलाकात होती है जो अमूद की ट्रेल एजेंसी को वापस लेना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकटाहट और पेंट इतली को न खोने में नाकामी से मायूस है, लेकिन सरश्रम को न कहने पर बंधु और अमू पर फख्र है। इसके बाद राज ARK तजवीज़ अमू का
व नंद और मुवाद मंसूर करने के लिए पहुंचे। चंद मिनट कबल शेर फरोख्त करने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने की कोशिश करता है। नायडू के आदमियों की तरफ से इन्हें रोकने की कई कोशिशों के बावजूद बंधु ने रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। वहां इसकी मुलाकात सुलू चना से हुई, जो कि इसको ब्लैकमेल करती है और बंधु रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर में दाखिल होने का इंतजाम करता है। इसका नाम निकिता पोमफुरी शताब्दी पसंद करता है। बंधु ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए ताल्लुकात, जो कि नाजुक थे क्योंकि रामचंद्र का 7 साल कबल विवैती नामी एक औरत के साथ एक बार अफेयर हुआ था। पैदा थली के साथ तनाज़ तय करके और उनवान खानदान के अफराद सीता राम की सलाह करके घर के मसाइल का हल ढूंढते हैं। इसके बाद जो है ना, उनके घर पर डाली गई पार्टी में यासु ने बंधु और अम्बु को एक दूसरे को बोसा देते हुए देखा। बंधु को उलंबगी के घर से निकाल दिया, जबकि अम्बु के राज के साथ मंगनी मंसूर कर दी गई। नई दास की सूरत हाल को अपने फायदे के लिए अगवा करके और अंदर को कत्ल करने की धमकी देकर इस्तेमाल करता है। जब तक के रामचंद्र पीठ ये थली का हिस्सा नहीं देता। जब उल्लंबकी बंधु से नदू का बचाने के लिए मिन्नत करता है तो वह इनकार कर देता है। मंटू अपने हयातियाती वालिद रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इससे कहता है कि या सो को सच्चाई न बताए। इस ड्रामे के वो ये जानकर मायूस हो जाए कि राज इसका हकीकी बेटा नहीं है। इससे बेखबर हो और या सोने रिमार्क्स दिए कि बंटू राज के सरबराह है, क्योंकि इसने नंदवर खानदान को बचाया। इस तरह बंटू को इसके 50% हिस्सा दिया, या फिर ओलंबिकी से राज को 50 साल तक तरतीब देने के लिए कहता था, ताकि वो बंधु की तरह काबिल हो और कंपनी का CEO बन सके। लंकी के घर पहुंचने के बाद राज अपनी नई मुतवस्त तबके की ज़िंदगी और बंधु की पुरानी सफरी मुलाजमत से रास्त महसूस करती है और महसूस करते हुए कहने लगा कि लंकी को एक नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को तब्दील कर देना चाहिए था, ताकि वो लंबगी के घर जा सकें। रचविंदर के पास बंटू और लंबगी की मायूसी के लिए बहुत ज़्यादा कहानी का इंतजाम लंबगी के साथ होता है। जब बंटू अम्बू के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है, साथ मंगनी का लेता है, हालांकि राज पहले ही अपनी कज़न नंदिनी नदू से मुहब्बत करता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको दिखाई देगा। अल्लू अर्जुन बतौर बंटू के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा अमोलिया अम्बू के बतौर पूजा हेकड़े बंटू की मोहब्बत की रश्मि के रोल में नजर आएंगी। तब्बू बतौर रिया सोदा यासू बंटू की हयातियाती माँ और राज की रजाई माँ के रोल में नजर आएंगी। चेराम बतौर रामचंद्र बंटू के हयातियाती वालिद और राज की रजा वालिद। खुशनाथ बतौर राज मनोहर राज। नविता पुतराज राज बतौर नंदिनी नंदू राज की मोहब्बत का सरदार। HR नदी बतौर शेखर एक योर और योर हैग्स मीन। सुनील बतौर सीताराम नंदिनी के चचा और काशीराम के बहनाई। बंटू के दादा और इन के रजाई दादा इन आज़ाद को संभालना सीखा था। वो हर्षा वर्मन बतौर कशीर नंदिनी के वालिद और मरिया के कज़न। रचंदर प्रसाद बतौर DG ISPR। गोविंद पद मसूरिया बतौर पेट यतनी अपनाइटो के बेटे। रोहित रेडी पब्लिक और बैंक्स में मुलाजिम के राम। वनिका कशूर बतौर डॉक्टर श्री निवास रामचंद्र के डॉक्टर।
अजय बतौर सीतम और नाइन्थ के बहनोई के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तनकीला भराती बतौर अंजीनिया और साथ मूल्या के वालिद भरामाजी बैसे सरदार सन्नम अमूल्या के फनासिर रूहानी बतो लक्ष्मी ओलंबिकी की बीवी रजाई माँ और राज के हयाती इशदी चमक चंदर बतो चटीला मूर्ति एक लोन शार्क रंगार जो के तो पर पेरियर आदमी बंदरगाह पर कारगुन से काम करता है। दोस्तों ये है जी इस मूवी के करैक्टर जो कि हमने आपको बताए, यकीनन आपको पसंद भी आए होंगे। अला विकंथु पुरु मोलो एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी श्री श्रीवी ने की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये मूवी 2020 में बनाई गई थी और इस फिल्म में तब्बू जयराम सोशनाथ न्यू नीरियथा पेथुराज मुरली शर्मा सुमु थेराकानी नवदीप सनील सच्चन खीट यक्कर गोविंद पर्द मसूरिया हर्षावर्धन रोहनी वनीला कशूर समेत देगर शामिल हैं। अजय और रचंदर पर सादा इसे अल्लू अर्जुन एस राधा कृष्णा ने बिलतरतीब केता आर्ट्स और हरिका एट्स हुसैन क्रिशर्स के पैनल के तहत तैयार किया है। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में मुकम्मल हो गई। इसे पूरे हैदराबाद में फिल्माया गया, गानों को बैरून मुल्क फिल्माया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक एस थम्मन ने तरतीब दिया है जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग बतरतीब पी एस वनूद नवीन नोली ने की। 11 जनवरी 2022 को सताए मुतदा में प्रीमियर होने के बाद फिल्म संगरत्ति के मौके पर 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म ने कास्ट की परफॉर्मेंस थम्मन की मौसीकी तफरी कत और त्रोयक्रम की तहरीर और हिदायतकारी की तारीफ के साथ अच्छी तनकीदी पेशराई हासिल की। ये फिल्म तजारती लिहाज से कामयाब रही और इसने दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ रुपए कमाए। ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक बन गई। थम्मन ने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्शन कॉन्स्ट्रक्शनल फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म ने 10 सॉन्ग इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते जिनमें बेहतरीन फिल्म तेलुगु भी शामिल है। शहजादा के नाम से हिंदी जबान का रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है त्री विक्रम और इस मूवी को जिसने स्क्रीन प्ले दिया है उनका नाम भी त्री विक्रम ही है। तो डायलॉग भी इसी के ही हैं और स्टोरी भी इसी की ही है और प्रोडक्शन जिसने दी है वो अल्लू ने दी है और इसके साथ दे रहे हैं एस राधा कृष्णा और इसमें मेन किरदार अल्लू अर्जुन कर रहे हैं। साथ में इनके हैं पूजा हेगड़े और तब्बू भी मशहूर एक्टर्स हैं वो भी इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ जो इनका जो चौथे नंबर पर जो मेन किरदार जिसको दिया गया है उनका नाम है जयराम सुशनाथ नविता पिथारेज मुरली शर्मा और इसके साथ नदीव सुनील एंड सचिन खिदेकर और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है पी एस विनोद ने। एडिट किया है इस मूवी को नवीन नोली ने। म्यूजिक दिया है इस मूवी को तम्मन एस ने और इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो गीता आर्ट्स है। इसके साथ हरिका एंड हुसैनी क्रिकेट्स है। डिस्ट्रीब्यूट बाय गीता आर्ट्स है। रिलीज डेट 12 जनवरी 2020 है। रनिंग टाइम इसका 165 मिनट का है।
और कंट्री इसकी इंच है, जबान इसकी तेलुगु है। इस फिल्म को बहुत लगातार 100 करोड़ की लागत आई, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में आप ये देखेंगे कि राधा कृष्णा की कंपनी में क्लर्क के तौर पर अपने कैरियर का आगाज किया रामचंद जुआल ने आर्ट की बेटी या सोधा यासू से शादी करता है, अमीर हो जाता है, जबकि ए आर के वलिम्बिकी और रामचंद्र ने अनंत 1995 वलिम्बिकी एक मुतवसित तबके के फर्द के तौर पर रहता है। इनके दोनों बच्चों की पैदाइश के दिन रामचंद्र का बेटा मुर्दा पैदा हुआ दिखाई देता है। जब नर्स सुलोचना ने वलिम्बिकी को इसके बारे में मुतला किया तो वो इस बच्चे को मुर्दा बच्चे के साथ तब्दील करने की पेशकश करता है। स्विच के बाद वो बच्चा जो मुर्दा दिखाई देता है रोना शुरू कर देता है। तहम वलिम्बिकी चाहता है कि इसका बेटा एक अमीर घराने में परवान चढ़। जब सुलोचना दोबारा बच्चों को तब्दील करने की कोशिश करती है वलिम्बिकी ने इसे रोकने की कोशिश की और गलती से इसे धकेल दिया। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिरती है और कोमा में चली जाती है और वलिम्बिकी को दर्द होता है जो ऐसा ऐसा लंगड़ा होता है। वलिम्बिकी के बेटे का नाम राज है। वलिम्बिकी ने रामचंद्र के बेटे का नाम बंतोड़ रखा है। इसके हकीकी वालदेन की वजह से इसके साथ मामूली सलूक किया जाता है। वलिम्बिकी ने बंतु के MBA की अदायगी से इनकार करने के बाद बंतुआ मोलिया उर्फ अमोकी सरबराई में एक ट्रेल कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है जो एक खुद साख्ता कारोबारी 2020 शेखर के साथ एक मुख्य झगड़े और गलतफहमी के बाद बटोने का किरदार अदा किया। बल आखिर बंतु अमू के लिए जज्बात पैदा करता है जब वो अमू शेखर और इनके साथी नवीद मेलाडी एक HR खतून से कंपनी कारोबारी दौरे के लिए पेरिस जाते हैं। वो सफ़र के फौरन बाद अमू अपने जज्बात का जवाब देते हैं। फिर यसना राज बैरून मुल्क से वापस आया, अपना MBA बंद कराया। रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वो इससे अपनाए के और इसके बाद बेटे पेंट यथली को मुस्तित करने के लिए भेजता है जो एक अमीर ताकतवर बास आदमी है जो इनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र इस होटल से डील देखता है जहां अमूर और बंटो की अमू की फॉर्म के पीछे सरमाकार श्रीशम से मुलाकात होती है जो अमूर की ट्रेल एजेंसी को वापस लेना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकटाहट और पेंट इतली को न खोने में नाकामी से मायूस है, लेकिन सरश्रम को न कहने पर बंधु और अमूर पर फख्र है। इसके बाद राज ए आर के तजवीज़ अमू का वर्णन और मुआद मंसूख करने के लिए पहुँचे। चंद मिनट कबल शेर फरोख्त करने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने की कोशिश करता है। नायडू के आदमियों की तरफ से इन्हें रोकने की कई कोशिशों के बावजूद बंधु ने रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। वहां इसकी मुलाकात सुलोचना से हुई जो कि इसको ब्लैकमेल करती है और बंधु रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर में दाखिल होने का इंतजाम करता है जिसका नाम निकिता पोमफोरी सता पर पसंद करता है। बंतु ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए ताल्लुकात जो कि नाजुक थे क्योंकि रामचंद्र का 7 साल कबल रिवैती
नामी एक औरत के साथ एक बार अफेयर हुआ था। पैदा थली के साथ तनाज़ तय करके और उनवान खानदान के अफराद सीता राम की सलाह करके घर के मसाइल का हल ढूंढते हैं। इसके बाद जो है ना उनके घर पर डाली गई पार्टी में यासु ने बंतु और अम्मू को एक दूसरे को बोसा देते हुए देखा। बंतु को उलंबगी के घर से निकाल दिया जबकि अम्मू के राज के साथ मंगनी मंसूर कर दी गई। नईद दास की सूरत हाल को अपने फायदे के लिए अगवा करके और अंदर को कत्ल करने की धमकी देकर इस्तेमाल करता है। जब तक के रमीचंदर पीठ ये थली का हिस्सा नहीं देता। जब उल्लंबकी बंधु से नदु का बचाने के लिए मिन्नत करता है तो वह इनकार कर देता है। मंटू अपने हयातियाती वालिद रामचंद्र के साथ मिल जाता है लेकिन इससे कहता है कि या सो को सच्चाई न बताए। इस ड्रामे के वो ये जानकर मायूस हो जाए कि राज इसका हकीकी बेटा नहीं है। इससे बेखबर हो और या सोने रिमार्क्स दिए के बंटू राज के सरबराह है क्योंकि इसने नंदवर खानदान को बचाया। इस तरह बंटू को इसके 50% हिस्सा दिया या फिर ओलंबिकी से राज को 50 साल तक तकलीफ देने के लिए कहता था ताकि वो बंटू की तरह काबिल हो और कंपनी का CEO बन सके। लंकी के घर पहुंचने के बाद राज अपनी नई मुतवस्त तबके की जिंदगी और बंटू की पुरानी सफरी मुलाजमत से रास्त महसूस करती है और महसूस करते हुए कहने लगा कि लंबगी को एक नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को तब्दील कर देना चाहिए था ताकि वो लंबगी के घर जा सकें। रश्मिंदर के पास बंटू ओलंबगी की मायूसी के लिए बहुत ज़्यादा कहानी का इंतजाम ओलंबगी के साथ होता है। जब बंटू अम्मू के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है साथ मंगनी का लेता है। हालांकि राज पहले ही अपनी कज़न नंदिनी नदू से मोहब्बत करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको दिखाई देगा। अल्लू अर्जुन बतौर बंटू के रोल में आएंगे। इसके अलावा अमोलिया अम्बू के बतौर पूजा हेकड़े बंटू की मोहब्बत की लक्ष्मी के रोल में नजर आएंगी। तब्बू बतौर लिया सोदा यासु बंटू की हयातियाती माँ और राज की रजाई माँ के रोल में नजर आएंगी। जेरा बतौर रामचंद्र बंटू के हयातियाती वालिद और राज की रजा वालिद। खुशनाथ बतौर राज मनोहर राज नविता पुथराज राज बतौर नंदिनी नंदू राज की मोहब्बत का सरदार। HR नदी बतौर शेखर एक योर और योर हैग्स मीन सुनील बतौर सीताराम नंदिनी के चचा और काशीराम के बहनाई बंटू के दादा और इन के रजाई दादा इन आज़ाद को संभालना सीखा था। वो हर्षाल वर्मन बतौर कशीर नंदिनी के वालिद और मरिया के कज़न रचंदर प्रसाद बतौर DG ISPR गोविंद पद मसूरिया बतौर पेट यतनी अपनाइट के बेटे रोहित रेडी पब्लिक और बैंक्स में मुलाजिम के राम वनिका कशूर बतौर डॉक्टर श्री निवास रामचंद्र के डॉक्टर अजय बतौर सीतम पन्नाइंट के बहनोई के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तनकीला भराती बतौर इंजीनियर प्रसाद मोलिया के वालिद भरामाजी बैसे सरदार सन्नम मोलिया के फनासिर रूहानी बतौर लक्ष्मी ओलंबिकी की बीवी रजाई माँ और राज के हयाती ईश्वरी चमक चंदर बतौर चटीला मूर्ति एक लोन शार्क रंगार जो के तौर पर फेरियर आदमी बंदरगाह पर कारगुन से काम करता है। तो ये है जी इस मूवी के करेक्टर जो के हमने आपको बताए यकीनन आपको पसंद भी आए होंगे। अला विकंथु पुरु मोलो एक हिंदुस्तानी
तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी श्री श्रीवी ने की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेगड़े ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये मूवी 2020 में बनाई गई थी और इस फिल्म में तब्बू, जयराम, सोशनाथ, न्यू नीरियथा, पृथ्वीराज, मुरली शर्मा, सुमु थेराकानी, नवदीप, सनील सच्चन, खीट यक्कर, गोविंद पर्थ, मसूरिया, हर्षवर्धन, रोहनी, वनीला कशूर समेत देगर शामिल हैं। अजय और रचंदर पर सादा इसे अल्लू अर्जुन, एस राधा कृष्णा ने बिलतरतीब, केता आर्ट्स और हरिका एट्स सैन क्रिशर्स के पैनल के तहत तैयार किया है। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में मुकम्मल हो गई। इसे पूरे हैदराबाद में फिल्माया गया, गानों को बैरून मुल्क फिल्माया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक एस थम्मन ने तरतीब दिया है जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग बतरतीब पी एस वनूद नवीन नोली ने की। 11 जनवरी 2022 को सताए मुतहदा में प्रीमियर होने के बाद फिल्म संगरत्ति के मौके पर 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म ने कास्ट की परफॉर्मेंस, थम्मन की मौसीकी, तफरी कत और प्रोयक्रम की तहरीर और हिदायतकारी की तारीफ के साथ अच्छी तनकीदी पेशराई हासिल की। ये फिल्म तजारती लिहाज से कामयाब रही और इसने दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ रुपए कमाए। ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक बन गई। थम्मन ने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्शन कॉन्स्ट्रक्शनल फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म ने 10 सॉन्ग इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते जिनमें बेहतरीन फिल्म तेलुगु भी शामिल है। शहजादा के नाम से हिंदी जबान का रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है त्री विक्रम और इस मूवी को जिसने स्क्रीन प्ले दिया है उनका नाम भी त्री विक्रम ही है और डायलॉग भी इसी के ही हैं और स्टोरी भी इसी की ही है और प्रोडक्शन जिसने दी है वो अल्लू ने दी है और इसके साथ दे रहे हैं एस राधा कृष्णा और इसमें मेन किरदार अल्लू अर्जुन कर रहे हैं। साथ में इनके हैं पूजा हेगड़े और तब्बू भी मशहूर एक्टर्स हैं वो भी इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ जो इनका जो चौथे नंबर पर जो मेन किरदार जिसको दिया गया है उनका नाम है जयराम, सुशनाथ, नविता पिथारेज, मुरली शर्मा और इसके साथ नदीव, सुनील एंड सचिन हिदेकर और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है पी एस विनोद ने, एडिट किया है इस मूवी को नवीन नोली ने, म्यूजिक दिया है इस मूवी को थम्मन एस ने और इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो गीता आर्ट्स है। इसके साथ हरिका एंड हुसैनी क्रिकेट्स है। डिस्ट्रीब्यूट बाई गीता आर्ट्स है। रिलीज डेट 12 जनवरी 2020 है। रनिंग टाइम इसका 165 मिनट का है और कंट्री इसकी इंडिया है, जबान इसकी तेलुगु है। इस फिल्म को जो लागत आई वो 100 करोड़ की लागत आई जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में आप ये देखेंगे कि राधा कृष्णा की कंपनी में क्लर्क के तौर पर अपने कैरियर का आगाज़ किया रामचंद जुआले आर्ट की बेटी या सोधा यासु से शादी करता है, अमीर हो जाता है जबकि ए आर के वलिम्बिकी और रामचंद्र ने अनंत 1995 विलंबकी एक मुतवसित तबके के फर्द के तौर पर रहता है। इनके दोनों बच्चों
की पैदाइश के दिन रामचंद्र का बेटा मुर्दा पैदा हुआ दिखाई देता है। जब नर्स सुलोचना ने पुलकी को इसके बारे में मुतला किया तो वो इस बच्चे को मुर्दा बच्चे के साथ तब्दील करने की पेशकश करता है। स्विच के बाद वो बच्चा जो मुर्दा दिखाई देता है रोना शुरू कर देता है। तहम पुलकी चाहता है कि इसका बेटा एक अमीर घराने में परवान चढ़े। जब सुलोचना दोबारा बच्चों को तब्दील करने की कोशिश करती है पुलकी ने इसे रोकने की कोशिश की और गलती से इसे धकेल दिया। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिरती है और कोमा में चली जाती है और पुलकी को दर्द होता है जो ऐसा ऐसा लंगड़ा होता है। पुलकी के बेटे का नाम राज है। पुलकी ने रामचंद्र के बेटे का नाम बंतोड़ रखा है। इसके हकीकी वालदेन की वजह से इसके साथ मामूली सलूक किया जाता है। पुलकी ने बंतु के MBA की अदायगी से इनकार करने के बाद बंतुआ मोलिया उर्फ अमोकी सरबराई में एक ट्रेल कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है जो एक खुद साख्ता कारोबारी 2020 शेखर के साथ एक मुख्य झगड़े और गलतफहमी के बाद बटोने का किरदार अदा किया। बलाखिर बंतु अमू के लिए जज्बा पैदा करता है जब वो अमू शेखर और इनके साथ रवीद मेलडी एक HR खतून से कंपनी कारोबारी दौरे के लिए पेरिस जाते हैं। वो सफ़र के फौरन बाद अमू अपने जज्बात का जवाब देते हैं। प्रियसना राज बैरून मुल्क से वापस आया अपना MBA बंद कराया। रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए इसलिए वो इससे अपनाए के और इसके बाद बेटे पेंट यथली को मुस्तित करने के लिए भेजता है जो एक अमीर ताकतवर बासर आदमी है जो इनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र इस होटल से डील देखता है जहां अमूर और बंटू की अमू की फॉर्म के पीछे सरमाकार श्रीशम से मुलाकात होती है जो अमूर की ट्रेल एजेंसी को वापस लेना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकटाहट और पेंट इतली को न खोने में नाकामी से मायूस है लेकिन सरश्रीशम को न कहने पर बंधु और अमूर पर फख्र है। इसके बाद राज ARK तजवीज़ अमू का पनंद और मुआद मंसूर करने के लिए पहुंचे। चंद मिनट कबल शेयर फरोख्त करने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने की कोशिश करता है। नायडू के आदमियों की तरफ से इन्हें रोकने की कई कोशिशों के बावजूद बंतु ने रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। वहां इसकी मुलाकात सुलोचना से हुई जो कि इसको ब्लैकमेल करती है और बंतु रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर में दाखिल होने का इंतजाम करता है। इसका नाम निकिता पोमफोरी शतापा पसंद करता है। बंतु ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए ताल्लुकात जो कि नाजुक थे क्योंकि रामचंद्र का 7 साल कबल रिवैती नामी एक औरत के साथ एक बार अफेयर हुआ था। पैदा थली के साथ तनाज़े तय करके और उनवान खानदान के अफराद सीता राम की सलाह करके घर के मसाइल का हल ढूंढते हैं। इसके बाद जो है ना उनके घर पर डाली गई पार्टी में यासू ने बंतु और अमू को एक दूसरे को बोसा देते हुए देखा। बंतु को उलंबगी के घर से निकाल दिया जबकि अमू के राज के साथ मंगनी मंसूर कर दी गई। नई दास की सूरत हाल को अपने फायदे के लिए अगवा करके और अंदर को कत्ल करने की धमकी देकर इस्तेमाल करता है जब तक कि रमीचंदर अपीट
ये थली का हिस्सा नहीं देता। जब उल्लंबिकी बंधु से नदु का बचाने के लिए मिन्नत करता है तो वह इनकार कर देता है। मंटू अपने हयातियाती वालिद रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इससे कहता है कि या सोकु सच्चाई न बताए इस ड्रामे के। वो ये जानकर मायूस हो जाए कि राज इसका हकीकी बेटा नहीं है। इससे बेखबर हो और या सोने रिमार्क्स दिए दिए कि बंटू राज के सरबराह है, क्योंकि इसने नंदवर खानदान को बचाया। इस तरह बंटू को इसके 50% हिस्सा दिया, या फिर ओलंबिकी से राज को 50 साल तक तरतीब देने के लिए कहता था ताकि वो बंटू की तरह काबिल हो और कंपनी का CEO बन सके। लंकी के घर पहुंचने के बाद राज अपनी नई मुतवस्त तबके की जिंदगी और बंटू की पुरानी सफरी मुलाजमत से रास्त महसूस करती है और महसूस करते हुए कहने लगा कि ओलंबिकी को एक नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को तब्दील कर देना चाहिए था ताकि ओलंबिकी के घर जा सकें। रचविंदर के पास बंटू ओलंबिकी की मायूसी के लिए बहुत ज़्यादा कहानी का इल्ज़ाम ओलंबिकी के साथ होता है। जब बंटू अम्बू के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है, साथ मंगनी का लेता है, हालांकि राज पहले ही अपनी कज़न नंदिनी नदु से मुहब्बत करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको दिखाई देगा। अल्लू अर्जुन बतौर बंटू के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा अमोलिया अम्बू के बतौर पूजा हेकड़े बंटू की मोहब्बत की लक्ष्मी के रोल में नजर आएंगी। तब्बू बतौर रिया सोदा या सूह बंटू की हयातियाती माँ और राज की रजाई माँ के रोल में नजर आएंगी। चेरा बतौर रामचंद्र बंटू के हयातियाती वालिद और राज की रजा वालिद। रुशनाथ बतौर राज मनोहर राज। नविता पुथराज राज बतौर नंदिनी नंदू राज की मोहब्बत का सरदार। एच आर नदी बतौर शेखर एक योर और योर हैग्स मीन। सुनील बतौर सीताराम नंदिनी के चचा और काशीराम के बहनाई। बंटू के दादा और इन के रजाई दादा। इन आज़ाद को संभालना सीखा था। और हर्षाल वर्मन बतौर कशीर नंदिनी के वालिद और वरिया की कज़न। रचंदर प्रसाद बतौर DG ISPR। गोविंद पद मसूरिया बतौर पेट यथली अपनाइटो के बेटे। रोहित रेडी पब्लिक और बैंक्स में मुलाजिम के राम। वनिका कशूर बतौर डॉक्टर श्री निवास रामचंद्र के डॉक्टर। अजय बतौर सीतम पन्नाइंट के बहनोई के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तनकीला भराती बतौर इंजीनियर प्रसाद मौलिया के वालिद। भरामाजी बैसत सरदार सन्नम मौलिया के फनासिर। रूहानी बतौर लक्ष्मी ओलंबिकी की बीवी रजाई माँ और राज के हयाती इशदी। चमक चंदर बतौर चटीला मूर्ति एक लोन शार्क। रंगार जो के तोपर पेरियर आदमी बंदरगाह पर कारगुन से काम करता है। दोस्तों ये है जी इस मूवी के करैक्टर जो के हमने आपको बताए, यकीनन आपको पसंद भी आए होंगे। अला विकंथु पुरु मोलो एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी श्री श्रीवी ने की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेकड़े ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये मूवी 2020 में बनाई गई थी और इस फिल्म में तब्बू जयराम सोशनाथ न्यू निर्यथा पेथुराज मुरली शर्मा सुमु थेराकानी नवदीप सनील सचन खीड यक्कर गोविंद पर्द मसूरिया हर्षवर्धन रोहनी वनीला कशूर समेत देगर शामिल हैं। अजय और रचंदर पर सादा इसे अल्लू अर्जुन एस
राधा कृष्णा ने बिलतरतीब गीता आर्ट्स और हरिका एट्स सैन फिशर्स के पैनल के तहत तैयार किया है। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में मुकम्मल हो गई। इसे पूरे हैदराबाद में फिल्माया गया। गानों को बैरून मुल्क फिल्माया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक एस थम्मर ने तरतीब दिया है, जबकि सिनेमाटोग्राफी और एडिटिंग बतरतीब पी एस वनूद नवीन नोली ने की। 11 जनवरी 2022 को सताए मुतदा में प्रीमियर होने के बाद फिल्म संगरत्ती के मौके पर 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म ने कास्ट की परफॉर्मेंस, थम्मन की मौसीकी, तफरी कत और त्रोयक्रम की तहरीर और हिदायतकारी की तारीफ के साथ अच्छी तनकीदी पेशराई हासिल की। ये फिल्म तजारती लिहाज से कामयाब रही और इसने दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ रुपए कमाए। ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्म में से एक बन गई। थम्मन ने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्शन कॉन्स्ट्रक्शनल फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म ने 10 सोन इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते, जिनमें बेहतरीन फिल्म तेलुगु भी शामिल है। शहजादा के नाम से हिंदी जबान का रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। दोस्तों, इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है त्रिविक्रम, और इस मूवी को जिसने स्क्रीन प्ले दिया है उनका नाम भी त्रिविक्रम ही है। तो डायलॉग भी इसी के ही हैं और स्टोरी भी इसी की ही है। और प्रोडक्शन जिसने दी है वो अल्लू ने दी है और इसके साथ दे रहे हैं एस राधा कृष्णा, और इसमें मेन किरदार अल्लू अर्जुन कर रहे हैं। साथ में इनके हैं पूजा हेगड़े और तब्बू भी मशहूर एक्टर्स हैं, वो भी इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ जो इनका जो चौथे नंबर पर जो मेन किरदार जिसको दिया गया है उनका नाम है जयराम, सुषनाथ, नविता पिथारेज, मुरली शर्मा, और इसके साथ नदीव, सुनील एंड सचिन खिदिकर। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है पी एस विनोद ने, एडिट किया है इस मूवी को नवीन नोली ने, म्यूजिक दिया है इस मूवी को तमन एस ने, और इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो गीता आर्ट्स है। इसके साथ हरिका एंड हुसैनी क्रिएटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूट बाय गीता आर्ट्स है। रिलीज डेट 12 जनवरी 2020 है। रनिंग टाइम इसका 165 मिनट का है और कंट्री इसकी इंडिया है, जबान इसकी तेलुगु है। इस फिल्म को मुझे लगातार 100 करोड़ की लागत आई, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों, इस मूवी में आप ये देखेंगे कि राधा कृष्णा की कंपनी में क्लर्क के तौर पर अपने कैरियर का आगाज़ किया रामचंद जुआले आर्ट की बेटी या सोधा यासु से शादी करता है, अमीर हो जाता है, जबकि ए आर के वलिम्बिकी और रामचंद्र ने अनंत 1995 विलम्ब की एक मुतवस्त तबके के फर्द के तौर पर रहता है। इनके दोनों बच्चों की पैदाइश के दिन रामचंद्र का बेटा मुर्दा पैदा हुआ दिखाई देता है। जब नर्स सुलोचना ने विलम्ब की को इसके बारे में मुतला किया तो वो इस बच्चे को मुर्दा बच्चे के साथ तब्दील करने की पेशकश करता है। स्विच के बाद वो बच्चा जो मुर्दा दिखाई देता है रोना शुरू कर देता है। तहम विलम्ब की चाहता है कि इसका बेटा एक अमीर घराने में परवान चढ़े। जब सुलोचना दोबारा बच्चों को तब्दील करने की कोशिश करती है, विलम्ब की ने इसे रोकने की कोशिश की और गलती से इसे धकेल दिया। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिरती है और कोमा में चली जाती है
और लंबगी को दर्द होता है जो ऐसा ऐसा लंगड़ा होता है। लंबगी के बेटे का नाम राज है। लंबगी ने रामचंद्र के बेटे का नाम बंतोड़ रखा है। इसके हकीकी वालदेन की वजह से इसके साथ मामूली सलूक किया जाता है। लंबगी ने बंतु के MBA की अदायगी से इनकार करने के बाद बंतुआ मोलिया उर्फ अमोकी सरबराई में एक ट्रोयल कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है, जो एक खुद साख्ता कारोबारी 2020 शेखर के साथ एक मुख्य झगड़े और गलत फहमी के बाद बटोने का किरदार अदा किया। बल आखिर बंतु अमू के लिए जज्बात पैदा करता है जब वो अमू शेखर और इनके साथ नवीद रेडी एक HR खतून से कंपनी कारोबारी दौरे के लिए पेरिस जाते हैं। वो सफ़र के फौरन बाद अमू अपने जज्बात का जवाब देते हैं। प्रियसना राज बैरून मुल्क से वापस आया, अपना MBA बंद कराया। रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वो इससे अपनाए के और इसके बाद बेटे पेंट यथली को मुस्तित करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर ताकतवर बासर आदमी है, जो इनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र इस होटल से डील देखता है जहां अमूद और बंटो की अमू की फॉर्म के पीछे सरमाकार श्रीशम से मुलाकात होती है, जो अमूर की ट्रेल एजेंसी को वापस लेना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकटाहट और पेंट इथली को न खोने में नाकामी से मायूस है, लेकिन सरश्रीशम को न कहने पर बंधु और अमूर पर फख्र है। इसके बाद राज ARK तजवीज़ अमू का पनंद और मुआद मंसूर करने के लिए पहुंचे। चंद मिनट कबल शेयर फरोख्त करने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने की कोशिश करता है। नायडू के आदमियों की तरफ से इन्हें रोकने की कई कोशिशों के बावजूद बंधु ने रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। वहां इसकी मुलाकात शुरू चना से हुई, जो कि इसको ब्लैकमेल करती है और बंतु रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर में दाखिल होने का इंतजाम करता है। इसका नाम निकिता पोमपुरी शताब्दी पसंद करता है। बंतु ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे टूटे हुए ताल्लुकात, जो कि नाजुक थे क्योंकि रामचंद्र का 7 साल कबल रिवैती नामी एक औरत के साथ एक बार अफेयर हुआ था, पैदा थली के साथ तनाज़ तय करके और उनवान खानदान के अफराद सीता राम की सलाह करके घर के मसाइल का हल ढूंढते हैं। इसके बाद जो है ना, उनके घर पर डाली गई पार्टी में यासू ने बंतु और अमू को एक दूसरे को बोसा देते हुए देखा। बंतु को उलंबगी के घर से निकाल दिया, जबकि अमू के राज के साथ मंगनी मंसूर कर दी गई। नईद दास की सूरत हाल को अपने फायदे के लिए अगवा करके और अंदर को कत्ल करने की धमकी देकर इस्तेमाल करता है, जब तक कि रामचंद्र पीठ यथली का हिस्सा नहीं देता। जब उलंबगी बंतु से लड्डू का बचाने के लिए मिन्नत करता है तो वह इनकार कर देता है। मंटू अपने हयातियाती वालिद रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इससे कहता है कि या सो को सच्चाई न बताए। इस ड्रामे के वो ये जानकर मायूस हो जाए कि राज इसका हकीकी बेटा नहीं है, इससे बेखबर हो और या सोने रिमार्क्स दिए कि बंटू राज के सरबराह है, क्योंकि इसने नंद
वार खानदान को बचाया। इस तरह बट्टू को इसके 50% हिस्सा दिया या फिर ओलंबिकी से राज को 50 साल तक तरतीब देने के लिए कहता था ताकि वो बंटू की तरह काबिल हो और कंपनी का CEO बन सके। ओलंबिकी के घर पहुंचने के बाद राज अपनी नई मुतवस्त तबके की जिंदगी और बंटू की पानी सफरी मुलाजमत से रास्त महसूस करती है और महसूस करते हुए कहने लगा कि ओलंबिकी को एक नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को तब्दील कर देना चाहिए था ताकि ओलंबिकी के घर जा सकें। रचविंदर के पास बंटू ओलंबिकी की मायूसी के लिए बहुत ज़्यादा कहानी का इंतजाम ओलंबिकी के साथ होता है। जब बंटू अम्बू के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है, साथ मंगनी का लेता है, हालांकि राज पहले ही अपनी कज़न नंदिनी नदू से मोहब्बत करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको दिखाई देगा। अल्लू अर्जुन बतौर बंटू के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा अमोलिया अम्बू के बतौर पूजा हेकड़े बंटू की मोहब्बत की लक्ष्मी के रोल में नजर आएंगी। तब्बू बतौर यासुदा यासू बंटू की हयातियाती माँ और राज की रजाई माँ के रोल में नजर आएंगी। चेरा बतौर रामचंद्र बंटू के हयातियाती वालिद और राज की रजा वालिद। खुशनाथ बतौर राज मनोहर राज। नविता पुथराज राज बतौर नंदिनी नंदू राज की मोहब्बत का सरदार। एच आर नदी बतौर शेखर पैक योर और योर हैग्स मीन। सुनील बतौर सीताराम नंदिनी के चचा और काशीराम के बहनाई। बंटू के दादा और इन के रजाई दादा इन आजाद को संभालना सीखा था। ओ हर्षाल वर्मन बतौर कशीर नंदिनी के वालिद और वरियास की कज़न। रचंदर प्रसाद बतौर DG ISPR। गोविंद पद मसूरिया बतौर पेट यतनी अपनाइटो के बेटे। रोहित रेडी पब्लिक और बैंक्स में मुलाजिम के राम। वनिका कशूर बतौर डॉक्टर श्री निवास रामचंद्र के डॉक्टर। अच्छे बतौर सीतम पन्नाइंट के बहनोई के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तनकीला भराती बतौर अंजीनिया और सात मोलिया के वालिद। भरामाजी बैसे सरदार सन्नम मोलिया के फनासिर। रूहानी बतौर लक्ष्मी ओलंबिकी की बीवी रजाई माँ और राज के हयाती इशदी। चमक चंदर बतौर चटीला मूर्ति एक लोन शार्क अंगार जो के तौर पर पेरियर आदमी बंदरगाह पर कारगुन से काम करता है। तो ये है जी इस मूवी के करेक्टर जो कि हमने आपको बताए, यकीनन आपको पसंद भी आए होंगे। अला विकंथु पुरु मोलो एक हिंदुस्तानी तेलुगु जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसकी हिदायतकारी श्री श्रीवी ने की है। इस फिल्म में अल्लू अर्जुन और पूजा हेकड़े ने मरकजी किरदार अदा किया है। ये मूवी 2020 में बनाई गई थी और इस फिल्म में तब्बू जयराम सोशनाथ न्यू निर्यथा पेथुराज मुरली शर्मा सुमु थेराकानी नवदीप सनील सचन खीट यक्कर गोविंद पर्द मसूरिया हर्षवर्धन रोहनी वनीला कशूर समेत देगर शामिल हैं। अच्छे और रचंदर पर सादा इसे अल्लू अर्जुन एस राधा कृष्णा ने बिलतरतीब केता आर्ट्स और हरिका एट्स सैन क्रिशर्स के पैनल के तहत तैयार किया है। फिल्म की प्रोडक्शन अप्रैल 2019 में शुरू हुई और दिसंबर 2019 में मुकम्मल हो गई। इसे पूरे हैदराबाद में फिल्माया गया। गानों को बैरोन मुल्क फिल्माया गया। फिल्म का साउंड ट्रैक एस थम्मन ने तरतीब दिया है जबकि सिनेमाग्राफी और एडिटिंग बल तरतीब PS वनूद
नुईन नोली ने की। 11 जनवरी 2022 को सताए मुतहदा में प्रीमियर होने के बाद फिल्म संगरत्ती के मौके पर 12 जनवरी को थिएटर में रिलीज हुई। फिल्म ने कास्ट की परफॉर्मेंस, थम्मन की मौसीकी, तफरी कत और त्रोयक्रम की तहरीर और हिदायतकारी की तारीफ के साथ अच्छी तनकीदी पेशराई हासिल की। ये फिल्म तजारती लिहाज से कामयाब रही और इसने दुनिया भर में 262 से 280 करोड़ रुपए कमाए। ये अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म में से एक और 2020 की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदुस्तानी फिल्मों में से एक बन गई। तम्मन ने बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्शन कॉन्स्ट्रक्शनल फिल्म अवार्ड जीता। इस फिल्म ने 10 सोन इंडियन इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड भी जीते जिनमें बेहतरीन फिल्म तेलुगु भी शामिल है। शहजादा के नाम से हिंदी जबान का रीमेक 17 फरवरी 2023 को रिलीज हुई। दोस्तों इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है त्रिविक्रम और इस मूवी को जिसने स्क्रीन प्ले दिया है उनका नाम भी त्रिविक्रम ही है और डायलॉग भी इसी के ही हैं और स्टोरी भी इसी की ही है और प्रोडक्शन जिसने दी है वो अल्लू ने दी है और इसके साथ दे रही है एस राधा कृष्णा और इसमें मेन किरदार अल्लू अर्जुन कर रहे हैं। साथ में इनके हैं पूजा हेगड़े और तब्बू भी मशहूर एक्टर्स हैं वो भी इस मूवी में आपको दिखाई देंगे। इसके साथ जो इनका जो चौथे नंबर पर जो मेन किरदार जिसको दिया गया है उनका नाम है जयराम, सुषनाथ, नविता पिथारेज, मुरली शर्मा और इसके साथ नदीव, सुनील एंड सचिन खिदेकर और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है पी एस विनोद ने। एडिट किया है इस मूवी को नवीन नोली ने। म्यूजिक दिया है इस मूवी को तम्मन एस ने और इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो गीता आर्ट्स है। इसके साथ हरिका एंड हुसैनी क्रिकेट्स है। डिस्ट्रीब्यूट बाय गीता आर्ट्स है। रिलीज डेट 12 जनवरी 2020 है। रनिंग टाइम इसका 165 मिनट का है और कंट्री इसकी इंच है, जबान इसकी तेलुगु है। इस फिल्म को मुझे लगा था वो 100 करोड़ की लागत आई जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 262 से 280 करोड़ का बेहतरीन बिजनेस किया। अब मैं आपको इस मूवी की स्टोरी की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों इस मूवी में आप ये देखेंगे कि राधा कृष्णा की कंपनी में क्लर्क के तौर पर अपने करियर का आगाज़ किया रामचंद जुआले आर्ट की बेटी या सोधा यासु से शादी करता है, अमीर हो जाता है जबकि ए आर के वलिम्बिकी और रामचंद्र ने अनंत 1995 ओलंपिकी एक मुतवस्त तबके के फर्द के तौर पर रहता है। इनके दोनों बच्चों की पैदाइश के दिन रामचंद्र का बेटा मुर्दा पैदा हुआ दिखाई देता है। जब नर्स सुलोचना ने ओलंपिकी को इसके बारे में मुतला किया तो वो इस बच्चे को मुर्दा बच्चे के साथ तब्दील करने की पेशकश करता है। स्विच के बाद वो बच्चा जो मुर्दा दिखाई देता है रोना शुरू कर देता है। तहम विलम्बकी चाहता है कि इसका बेटा एक अमीर घराने में परवान चढ़े। जब सुलोचना दोबारा बच्चों को तब्दील करने की कोशिश करती है विलम्बकी ने इसे रोकने की कोशिश की और गलती से इसे धकेल दिया। सुलोचना अस्पताल की इमारत से गिरती है और कोमा में चली जाती है और ओलंपिकी को दर्द होता है जो ऐसा ऐसा लंगड़ा होता है। ओलंपिकी के बेटे का नाम राज है। ओलंपिकी ने रामचंद्र के बेटे का नाम बंतोड़ रखा है। इसके हकीकी वालदेन की वजह से इसके साथ मामूली सलूक किया जाता है। ओलंपिकी ने बंतु के MBA की अदायगी से इनकार करने के बाद बंतुआ वोलिया उर्फ अमोकी सरबराई में एक ट्रोयल
कंपनी में मुलाजमत के लिए इंटरव्यू के लिए जाता है, जो एक खुद साख्ता कारोबारी 2020 शेखर के साथ एक मुख्य झगड़े और गलत फहमी के बाद बटोने का किरदार अदा किया। बल आखिर पंतु अमू के लिए जज्बात पैदा करता है जब वो अमू शेखर और इन के साथ नवीद रेडी एक HR खतून से कंपनी कारोबारी दौरे के लिए पेरिस जाते हैं। वो सफ़र के फौरन बाद अमू अपने जज्बात का जवाब देते हैं। क्रिस्ना राज बैरून मुल्क से वापस आया, अपना MBA बंद कराया। रामचंद्र चाहता है कि राज सख्त हो जाए, इसलिए वो इससे अपनाए के और उसके बाद बेटे पेंट इथली को मुस्तित करने के लिए भेजता है, जो एक अमीर ताकतवर बासर आदमी है, जो इनकी कंपनी के 50% शेयर खरीदने की पेशकश करता है। रामचंद्र इस होटल से डील देखता है जहां अमू और बंटू की अमू की फॉर्म के पीछे सरमाकार श्रीशम से मुलाकात होती है, जो अमूर की ट्रेल एजेंसी को वापस लेना चाहता है। रामचंद्र राज की हिचकटाहट और पेंट इतली को न खोने में नाकामी से मायूस है, लेकिन सरचशन को न कहने पर बंधु और अमूर पर फख्र है। इसके बाद राज AR के तजवीज़ अमू का पनंद और मुआद मंसूर करने के लिए पहुंचे। चंद मिनट कबल शेयर फरोख्त करने से इनकार करने पर रामचंद्र को मारने की कोशिश करता है। नायडू के आदमियों की तरफ से इन्हें रोकने की कई कोशिशों के बावजूद बंतु ने रामचंद्र को अस्पताल ले जाकर बचा लिया। वहां इसकी मुलाकात शुरू चना से हुई, जो कि इसको ब्लैकमेल करती है और बंतु रामचंद्र के डॉक्टर को ब्लैकमेल करके रामचंद्र के घर में दाखिल होने का इंतजाम करता है। इसका नाम निकिता पोमफोरी शताब्दी पसंद करता है। बंतु ने यासु के साथ रामचंद्र के टूटे हुए ताल्लुकात, जो कि नाजुक थे क्योंकि रामचंद्र का 7 साल कबल रिवैती नामी एक औरत के साथ एक बार अफेयर हुआ था, पैदा थली के साथ तनाज़े तय करके और उनवान खानदान के अफराद सीता राम की सलाह करके घर के मसाइल का हल ढूंढते हैं। इसके बाद जो है ना, उनके घर पर डाली गई पार्टी में यासु ने बंतु और अमू को एक दूसरे को बोसा देते हुए देखा। बंतु को उलंबगी के घर से निकाल दिया, जबकि अमू के राज के साथ मंगनी मंसूर कर दी गई। नईद दास की सूरत हाल को अपने फायदे के लिए अगवा करके और अंदर को कत्ल करने की धमकी देकर इस्तेमाल करता है, जब तक कि रामचंद्र पीठ यथली का हिस्सा नहीं देता। जब उल्लंबकी बंधु से यदु का बचाने के लिए मिन्नत करता है तो वह इनकार कर देता है। मंटू अपने हयातियाती वालिद रामचंद्र के साथ मिल जाता है, लेकिन इससे कहता है कि या सो को सच्चाई न बताए इस ड्रामे के, वो ये जानकर मायूस हो जाए कि राज इसका हकीकी बेटा नहीं है। इससे बेखबर हो और या सोने रिमार्क्स दिए कि बंटू राज के सरबराह है, क्योंकि इसने नंदवर खानदान को बचाया। इस तरह बंटू को इसके 50% हिस्सा दिया, या फिर ओलंबिकी से राज को 50 साल तक तरतीब देने के लिए कहता था ताकि वो बंटू की तरह काबिल हो और कंपनी का CEO बन सके। लंकी के घर पहुंचने के बाद राज अपनी नई मुतवस्त तबके की जिंदगी और बंटू की पुरानी सफरी मुलाजमत से रास्त महसूस करती है और महसूस करते हुए कहने लगा कि ओलंबगी को एक नर्स की मदद से 25 साल पहले बच्चों को तब्दील कर देना चाहिए था ताकि ओलंबगी के घर जा सकें। रचविंदर के पास बंटू ओलंबगी की मायूसी के लिए बहुत ज़्यादा कहानी का इंतजाम ओलंबगी के साथ होता है,
जब बंतु अम्बु के साथ हेलीकॉप्टर में जाता है, साथ मंगनी का लेता है। हालांकि राज पहले ही अपनी कजन नंदिनी नदू से मोहब्बत करता है। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में कौन क्या किरदार अदा करता आपको दिखाई देगा। अल्लू अर्जुन बतौर बंटू के रोल में नजर आएंगे। इसके अलावा अमोलिया अम्बु के बतौर पूजा हेकड़े बंतु की मोहब्बत की लक्ष्मी के रोल में नजर आएंगी। तब्बू बतौर रियासुदा यासू बंटू की हयातियाती माँ और राज की रजाई माँ के रोल में नजर आएंगी। चेराम बतौर रामचंद्र बंटू के हयातियाती वालिद और राज की रजा वालिद। खुशनाथ बतौर राज मनोहर राज। नविता पथराज राज बतौर नंदिनी नंदू राज की मोहब्बत का सरदार। एच आर नदी बतौर शेखर। एक योर पोर योर हैक्स मीन सुनील बतौर सीताराम नंदिनी के चचा और काशीराम के बहनाई। बंटू के दादा और इन के रजाई दादा इन आजाद को संभालना सीखा था। वो हर्षाल वर्मन बतौर कशीर नंदिनी के वालिद और मरिया की कजन। रचंदर प्रसाद बतौर डी जी आई एस पी आर। गोविंद पद मसूरिया बतौर पेट यतली अपनाइटो के बेटे। रोहित रेडी पब्लिक और बैंक्स में मुलाजिम के राम। वनिका कशूर बतौर डॉक्टर श्री निवास रामचंद्र के डॉक्टर। अजय बतौर सीतम फर्नाइंड के बहनोई के रोल में आपको नजर आएंगे। इसके अलावा तनकीला भराती बतौर इंजीनियर बरसात मोलिया के वालिद। भरामाजी बैसे सरदार सन्नम मोलिया के फनासिर। रूहानी बतौर लक्ष्मी ओलंपिकी की बीवी रजाई माँ और राज के हयाती ईश्वरी। चमक चंदर बतौर चटीला मूर्ति एक लोन शार्क। रंगार जो के तौर पर पेरियर आदमी बंदरगाह पर कारगुन से काम करता है। दोस्तों ये है जी इस मूवी के करैक्टर जो के हमने आपको बताए। यकीनन आपको पसंद भी आए होंगे।